नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स का मेंटर राहुल भटानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। कैसे हैं बच्चा बाटी? आए हो, मस्त है, शानदार है और जबरदस्त है। तो भैया जी, आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं? आज लेकर आए हैं हम आपके पास मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2। यस, जो हाल फिलहाल में ही आपका दिसंबर 2022 के लिए जो रिसेंट वाली मॉक टेस्ट सीरीज 2 आई है ना, उसके क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो भाई लोगों, अब अगर मैं बोलता हूं, मैंने पूरा का पूरा पेपर देखा तो एक दो मिस्टेक्स थी, मतलब क्वेश्चन में टाइपिंग एरर थे और आपका एक जगह आंसर गलत दे रखा था, ओनली वन जगह आंसर गलत दे रखा था, बाकी सारा पेपर हमारा ठीक था, बढ़िया पेपर था। अगर मैं बोलूं पेपर की वेटेज, तो भैया 80 क्वेश्चन बहुत आसान थे। यस, 80 में से भी अगर मैं रेटिंग करूं भाई, हमारे लगभग अगर मैं स्टैट्स की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस वर वेरी इजी। ठीक है, अगर यहां पे बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन बहुत आसान थे। यहाँ वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ, 80 भी नहीं बोलूंगा यहाँ पे, इसलिए 85 पर जितना बेटर रहेगा। यहाँ पे लगभग हमारे 32 क्वेश्चन तो ठीक थे, 7-8 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट दिए, बट हमें क्या है यार, 85 में से पास होने का तो पूरा जुगाड़ है। अगर मॉक टेस्ट पेपर जैसा पेपर आ जाए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मजे की बात क्या है, इस मॉक टेस्ट पेपर में कुछ आंखें खुलेंगे बच्चों को, जो उनको लगता था कि बहुत ईजी कंसेप्ट है भाई, इसका क्वेश्चन तो हम बहुत ईजिली बना लेंगे, उसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं और जिसका डिफिकल्ट लगता था उसके क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं। इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूं भाई, कुछ छोड़ के मत जाना। यस, अब सब आप बच्चों को पता है कि भाई सर को आइसोलेशन में रखा गया है, इसलिए सर आपका ये डिफरेंट मोड में क्लास ले रहे हैं, तो ये हमारी इस मोड में शायद आज आखिरी क्लास होगी सीए फाउंडेशन में। फिर हम आपको मिलेंगे किस में भाई, डिजिटल बोर्ड में। ओहो, नेक्स्ट में तो हमारा मैराथन प्रैक्टिस ही होने वाला है, मैराथन आने वाला है भाई लोगों। यस, मैराथन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जहां आपको हर टीचर आपके एग्जाम से पहले पूर्ण रूप से तैयारी कराएगा। और सीए फाउंडेशन के भी जो हमारे बैचेस हैं, कौन से बैच है भाई, अपना मई या जून, जब भी एग्जाम होगा 2023 में, उसका बैच संपूर्ण अनाउंस कर दिया गया है। जिस संपूर्ण बैच की भी भाई लोगों जोर तोर से तैयारी हर एक टीचर ने करनी शुरू कर दिया, हमें भी बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं कि भाई ये मटेरियल देंगे यार, इस बार कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आईसीआई के अंदर में बच्चों को जो क्वेश्चन लगता है ना कि डिफिकल्ट है वो भी कराएंगे और उससे अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन कराएंगे, ताकि बच्चा बोले यार संपूर्ण रूप से तैयारी हुई है। ठीक है भाई, सही है। बट अब अभी की कक्षा में क्या करने वाले हैं, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 की तैयारी कराने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो भाई हर बार की तरह यहाँ पर भी हमें टाइमर लगा के देखो, जब भी अपन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, पूरे के पूरे चैप्टर की, तो 100 क्वेश्चन की जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो टाइमर लगा लो 2 घंटे का, 2 घंटे में आपको पेपर करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ मेरे साथ साथ आप करोगे पेपर को, जहां पे आपको दिक्कत आ रही है पहले खुद से कर लेना, ठीक है, फिर जिसका जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है ना, उसका सोल्यूशन मेरे साथ साथ देखते रहना। ओके, सो 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बट यस, जो इजी होंगे वो आप खुद से करेंगे, उसके अंदर मैं आपको हिंट दे दूंगा, बट सारे क्वेश्चन कवर होंगे, टेंशन मत लो, 100 के 100 क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, हमने क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लाके यहाँ डाल दिए, ताकि जो मिस्टेक आपको एमटीपी में भी मिले ना, वो भी मैं आपको दिखा पाऊं, मिस्टेक को भी एज इट इज छोड़ा गया। चलो करते हैं शुरू। कह रहा था रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर 3:4, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। तो 2 नंबर दे रखे, तो इनको नंबर क्या मान लेंगे हम, एक को 3x और एक को 4x, है ना, ऐसे ही मानते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना देर का, 28, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर हमारा 4x है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 28 है, तो मतलब 4x का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, माइनस करता हूं 3x के स्क्वायर में से, तो वो 28 आएगा, दैट इज 16x² - 9x² = 28। 7x² आ गया है 28, या मैं बोलूं x² आ गया है 4, x² 4 है, तो x को मैं 2 बोल सकता हूँ, यस 2 और माइनस 2, बट यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो 2, तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा भाई, 4 × 2 = 8 हो जाएगा ना सर जी, आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड मोपेड आर इन द रेशियो 7:9, द प्राइस ऑफ अ मोपेड इज 1600 मोर देन दैट ऑफ द स्कूटर। सेम तरीके से करेंगे, करो सॉल्व, एक अपना स्कूटर का प्राइस यहाँ पर 7 दे रखा, तो 7x मान लिया रेशियो में, है ना, और यहाँ पर मोपेड का हो जाएगा फिर 9x, तो क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ मोपेड इज 1600 मोर देन दैट ऑफ स्कूटर, तो मोपेड का प्राइस 9x है, अगर 7x में से माइनस करेंगे तो 1600 आएगा,
यहां से 2x हमारा 1600 हो गया, या मैं बोलूं x की वैल्यू 800 आ गई है। पूछा गया तो प्राइस मोपेड का क्या है, मोपेड का क्या है भाई ज्यादा वाला प्राइस, सो 9 × 800 कितना हो गया भाई, यहाँ हो गया सर 7200। तो मोपेड कितने की है भाई, 7200। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन। अच्छा ये मेरे से एक बच्चे ने डाउट सेशन में पूछा था कि भाई लॉग 10,000 base.01 क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, दोनों चीजों को आप 10 की पावर में कन्वर्ट कर लो। मैं 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ और 0.01 को बताओ क्या मैं 0.01 को 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ। 0.01 क्या है भाई, 0.01 क्या है 1/ में, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ये क्या हो जाएगा 1/ में 10 की पावर 2 हो जाएगा, है ना, प्लस पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला ठीक है। और तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब याद करो बेस में से जब भी जाता है वो डिवाइड में जाता है, तो माइनस टू बाहर लेगा तो वो डिवाइड में जाएगा पावर, है ना। पावर जब भी जाती है डिवाइड में, जो ऊपर वाली होती है वो कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में। अब बचा क्या, यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10, बेस और नंबर सेम सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बेस और नंबर सेम सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 4/-2, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो कट गया तो आंसर आ गया -2। बहुत सिंपल है भाई, यस। लॉग ए बेस ए कितना होता है, 1 होता है ना, पढ़ा है उसी का यूज किया है। ये क्वेश्चन मेरे को एक बार को लगा कि यार ये थोड़ा ना ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि 933√3 ऐसे दे रखा है, बट हाँ कैलकुलेशन ज्यादा है और वो हो सकता थी, ठीक है। 9 को देखो, हर एक वैल्यू को 3 की पावर में कन्वर्ट कर दो। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 square, तो 3 square की पावर n+1/4, √3 × 3 की पावर n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 × 3 की पावर n की पावर 1/2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, बाय में 3 × में √3 की पावर -n/2, तो 3 की पावर -n का पावर 1/2, और इस पूरे की पावर 1/n है। जितना सिंप्लीफाई कर सको भाई उतना सिंप्लीफाई कर डालो, जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई कर डालो, करो भाई और सिंप्लीफाई करो। पावर अंदर और बाहर पड़ी है ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n बनाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 बनाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रखा है 3 में, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे n है और बाहर में 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगी n+1 और यहाँ पे ये 2 है जो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं बोल दूं n/2 के भी डिवाइड में गया और इसके भी डिवाइड में गया, यस। यहां से नीचे में हमारा कितना हो गया, 3 की पावर 1 है माइनस एन की पावर 1/2 है, तो यहां से हो जाएगा 3 की पावर 1 − n/2, यस। बड़ा दिमाग से करना भाई, यहाँ पे 1/n है। अब बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई वाली पावर ऐड हो जाती है, तो 2n में पावर 1/2 और n/2 + 1/2 ऐड हो गया, और ये वाली क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो -1 − -n/2 प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा ना ये भाई, ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -1 − −n/2 दैट इज +n/2, तो 1/2 + 1/2 1, 1 में से 1 गया ये चला गया और ये हमारा बचा हुआ है। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी बट हाँ थोड़ी थी, 2n + n/2 + n/2 कितना हो गया भाई 3n, और यहाँ पर बाहर में पड़ा है 1/n, मल्टीप्लाई होगा कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 3 की पावर 3 दैट इज 27। थोड़ी थी कैलकुलेशन भाई, थोड़ी थी, मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें टाइम कम लगेगा, बैलेंस होगा। इसके रूट्स बताने हैं, तो हम रूट्स में सबसे पहला काम क्या करते हैं, वैल्यूज डालते हैं, तो मुझे, मैंने देखा ध्यान से यार, वैल्यू जो है 1 बार बार आ रही, तो 1 शायद सेटिस्फाई कर रहा होगा, यस, तो मैंने डाला 1, तो 1³ + 9 × 1² − 1 − 9, यहां से बचा 1 + 9 × 1² = 9 −1 − 9, दिस इज कमिंग टू 0, तो ये RHS को सेटिस्फाई कर रहा, तो 1 तो आएगा ही आएगा, तो मतलब ये हट गया। अब मैं कुछ भी डालू, 3 डाल सकता हूँ, या तो 3 सेटिस्फाई करेगा, या मैं 2 या -1 से, मेरा दिमाग दौड़ रहा है -1 डालना, बिकॉज सबसे इजीएस्ट पार्ट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे सबसे इजीएस्ट दिख रहा है 1 के बाद -1 डालना है, तो मैंने -1 डाला, मैंने क्या डाला, पुट -1 डाला, अगर नहीं होगा तो ये ऑप्शन काट दूंगा, ठीक है। फिर मैं ट्राई उसको करूंगा 2 को, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो 3 है ना यार, 3 तो दोनों में आ रहा है, 2 या 9 में से कोई ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं बट -1 में पहले जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं खेलूंगा इसके साथ में पहले, यस, क्योंकि मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि यही आंसर हो सकता है,
माइनस वन का क्यूब माइनस वन, और यहाँ पर नाइन है ना, माइनस वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखा मेरी गट फीलिंग गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे दिख रहा था यार ऊपर से ऐसा ही है, तो आर एच एस के जीरो के इक्वल आ गया, तो मतलब वन भी सेटिस्फाई कर रहा है और माइनस वन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली माइनस नाइन भी सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन क्या हो गया बी, ठीक है बी ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसके दो सेटिस्फाई कर गया, वन और माइनस वन जो है सेटिस्फाई कर गया है एक्स की वैल्यू डालने में। तो भाई सॉल्यूशन हमेशा निकालने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से आंसर आता है। चलो भाई सिक्स क्वेश्चन, इसका आंसर क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, दस और पंद्रह का एलसीएम होता है तीस, दस यहाँ है तीस, या तो ऊपर वाला यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है एलसीएम लेना तो आता ही है ना भाई लोगों, यस ये हो गया सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन प्लस में सिक्स एक्स प्लस में ट्वेंटी, थर्टी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 150 के बराबर, 12 ऑफ एक्स प्लस में 35 इज इक्वल टू 150, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 150 में से 35 गया 115 बाय में 12 आ गया, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ रहा है देखेंगे सेट, 115 डिवाइड बाय में 12, 9.5833 तो बी ऑप्शन, यस 9.583 आ रहा है व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली टू 9.58 बी ऑप्शन। Find the value of this if this one. अगर सही बताऊं मैं इस क्वेश्चन को आखिरी में करता, पहले नहीं करता, मैं बता रहा हूं देखो ये आपको सोचना बड़ा जरूरी है, ये टाइमिंग है चेक करने की कि किसको मुझे कब करना चाहिए अटेम्प्ट, पहले किसको करूं बाद में किसको करूं, ठीक है तो इस क्वेश्चन में मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करता पहले नहीं करता। सर रीजन, रीजन भाई यहाँ पे ना इरेशनल रूट दे रखा है और बोला कि इसकी वैल्यू बताओ, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पर इसको यहाँ पे x डालना है ये, और इसका सोल्यूशन निकाल के बताना है, तो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है हाँ इजी है, यस वन का स्क्वायर तो वन है, यहाँ पे फाइव माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, पांच का स्क्वायर पच्चीस, टू रूट सिक्स का स्क्वायर फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, माइनस का टू इंटू टू फोर एंड फाइव दैट इज ट्वेंटी रूट सिक्स, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये लगा दिया अपन ने, ठीक है यहां से माइनस टू, अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं देखते जाओ, यहां पे अपन क्या करते हैं भाई रेशनलाइजेशन, इसको अपन फाइव प्लस टू रूट सिक्स एंड फाइव प्लस टू रूट सिक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर डालेंगे, क्यों क्योंकि नीचे में अपना रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है यस, तो यहां से हो गया वन बाय फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी रूट सिक्स, अब यहां पे मुझे वापस से रूट दिख रहा है तो मेरा दिमाग दौड़ा कि इसको भी वापस से रैशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ से भी 49 प्लस 20 रूट 6 ऊपर में और 49 माइनस का 20 रूट 6 इधर में सॉल्व किया तो क्या हो गया माइनस 10 इंटू 5 50, ठीक है और माइनस का 20 रूट 6 यहाँ प्लस 1 पड़ा हुआ है, ठीक है ध्यान रखना अलग से, नीचे में क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 4 एंड इंटू 6 24, यहाँ पे भी सेम 49 प्लस में 20 रूट 6 49 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर 49 इंटू 49 2401, ठीक है बहुत कैलकुलेशन है यार, माइनस का 20 रूट 6 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 6 दैट विल बी 2400, और यहां पर 25 में 24 गया एक बचा और ऊपर में है 50 माइनस 20 रूट 6 प्लस 1, ठीक है यस यहां से हो गया 49 प्लस 20 रूट 6 नीचे में तो 1 ही बचा ना, और यहां से ये वैल्यू 20 रूट 6 प्लस का माइनस का 49 प्लस 150 50 माइनस 50 जीरो, उत्तर घूम फिर के जीरो आया है, हे भगवान क्या मोहमाया है ये, कैसा क्वेश्चन है ये, बहुत लंबा है, ठीक है इसको इसलिए आखिर में अटेम्प्ट करते हैं, इसका कोई और शॉर्टकट आपको लगता है होगा तो आप मुझे भी बताना यार, आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड कि हाँ इससे शॉर्टकट बन सकता है, ठीक है ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, टू की वैल्यू टू पुट करो एक्स की जगह आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू बतानी है ना भाई, और बोल रहे एक्स इक्वल टू टू पे हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब, ठीक है सो थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू के इंटू टू प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सोल्व करके मुझे के की वैल्यू बताओ फटाफट से जल्दी से बताओ, वेरी इजी कमेंट करो इसका आंसर,
के की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल है। लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, इक्वेशन देख लिया हमने, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस वगैरह हमने देख लिया, अब आया है लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, यस इक्वेशंस दे रखी है, इसको ड्रॉ करते हैं। चलो लाइन को ड्रॉ करने का शॉर्टकट तरीका ही करते हैं। एक बार एक्स को जीरो डालो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 18, है ना। तो ये पॉइंट बन गया, एक्स जीरो डालने पे वाई कितना आ गया 18, तो कहीं यहाँ पॉइंट। एक बार वाई को जीरो डालो तो एक्स कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, है ना, 18/6 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट हो गया। कह रहा है इसका मतलब ये है कि 6x + y = 18 लाइन लेता तो वो कुछ ऐसे यहां से क्रॉस हो जाती, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डाला है, तो मतलब यहाँ पे 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 डालेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स बन रहा है, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, है ना। 0 0 यहाँ है तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। प्लॉटिंग कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ मोस्टली यही होता है। यहाँ पे एक्स प्लस 4y इज ग्रेटर देन 0, तो वाई को जीरो डाला तो एक्स आ गया 12, तो कहीं 12 0 यहाँ बन रहा है। और वाई एक्स को जीरो डाला तो वाई कितना आ गया भाई 3, तो 0 3 पॉइंट कहीं यहाँ बन रहा है, यस, और नीचे बनेगा 0 3, ठीक है, ओके। तो ये अपना पॉइंट बना। लास्ट 2x + y > 10, y को जीरो डालो, x कितना हो गया 5 हो गया, तो नहीं यहां पर आ रहा है, यस। और x को जीरो डालो तो y कितना आ गया जी 10 आ गया, तो 10 यहां कहीं आ रहा है। लेट सपोज थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, हमें अंदाजा लगाना है, ठीक है, अंदाजे में तो सही आ रहेगा ना, ठीक है। हमारा कुछ यहाँ से है ये, मेरे पास में अगर डिजिटल बोर्ड होता ना बढ़िया से बनाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही बन रहा है। तो 3 लाइनें बन रही हैं, यहाँ पे भी 0 + 0 > 12, तो फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली लाइन के भी ऊपर वाला रीजन आ जाएगा। सेम इस वाले में भी देखोगे तो इस वाले में भी ऊपर आ जाएगा, हर एक लाइन के ऊपर आ रहा है, तो हमारा कॉमन रीजन क्या दिख रहा है, ये जाता हुआ, यस, हर एक लाइन के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यस, हर एक लाइन के ऊपर जाता हुआ रीजन दिख रहा है। तो अगर ध्यान से ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, यस, और यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, ये। तो हमारे पास दो पॉइंट तो साफ साफ दिख रहे हैं, एक पॉइंट तो दिख रहा है 12 0 को कट कर रहा है, एक ग्राफ कट कर रहा है 0 18, किस किस में आ रहा है 0 18 और 12 0, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो बाकी दोनों में तो नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं है। अब ओरिजिन हमारा आ नहीं रहा और इस वाले में ओरिजिन डाल रखा है, तो मतलब ये पॉइंट भी नहीं होगा, है ना, बाकी दोनों पॉइंट होंगे, तो मतलब ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि ओरिजिन तो नहीं आ रहा है इस वाले एरिया में, है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बट यस प्लॉटिंग विल टेक टाइम, थोड़ा सा यही एक टाइम टेकिंग पार्ट है, ये कट डाला तो एक बार क्वेश्चन में फिर सीजी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लीनियर इनइक्वालिटी का एक ही क्वेश्चन दिया भाई मॉक टेस्ट पेपर में, ये हिंट है कि पेपर में कैसा आने वाला है, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी वाला पार्ट दिया है, और मैंने देखा यार स्टैट्स बहुत इजी दी है, मतलब जो मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 के अकॉर्डिंगली पेपर आता है तो उसमें स्टैट्स बहुत इजी आने वाली है, बहुत फटाफट आंसर आए थे मेरे जो मैंने देखा। पहले 60 क्वेश्चन में ऐसे डर लग रहा था ना मुझे कि यार 1 घंटा 10 मिनट तो मेरे यहीं चले गए हैं और बाकी वाले क्वेश्चन में जाएगा तो रिविजन कब करूंगा, बचे हुए क्वेश्चन कब करूंगा। मैं खुद भी करता हूँ भाई, जो तुमको बोलता हूँ ना प्रैक्टिस करने के लिए, मैं खुद भी करता हूँ। मैंने यही देखा यार ये पहले 60 क्वेश्चन में 1 घंटा 10 मिनट गया, बट अगले 40 क्वेश्चन 20 मिनट में हो गए, तो 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो गया था, ये मजा है, यस। अब आगे बढ़ते हैं। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 12,000 एट 10% पर एनम एंड अनदर सम ऑफ मनी एट 20% फॉर 1 ईयर, तो मतलब 12,000 10% पर एनम फॉर 1 ईयर डाले हैं, तो भैया जी इससे इतना इंटरेस्ट मिला होगा, यस, तो 10% को अगर हम कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। और कुछ एक्स मनी डाली है एट 20%, तो 20/100 × 1 साल, कह रहा है जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट मिला है वो 14%, तो मतलब टोटल कितना डाला है भाई 12,000 + x डाला है, है ना, टोटल कितना डाला है 12,000 + x डाला है, यस, इससे कितना मिला जी 14% मिला, तो 14/100 × 100 भाई। अब जितना यहां से मिला है उतना यहां से मिला, मतलब इस वाले भी 10% है, इस वाले भी 20% है, तो एवरेज आउट करके 14% है, यस, तो इससे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इससे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल अमाउंट पे 14% के हिसाब से सेम इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया। ये बड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन दिया है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन इसने बहुत टफ दिया है, मतलब अगर सही बताऊं ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए, यही मजा है देखने का था इसमें, यस, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, तो ये हो गया कितना 1200 + में
पॉइंट टू एक्स इज इक्वल टू, अब 12,000 और 12,000 यहां से आ गया 0.4x है ना, 0.14x ठीक है, और 12,000 इंटू 14 बाय 100, 12,000 इंटू 14 डिवाइड बाय 100 तो ये आ रहा है 1680। 0.14x को मैं उठा के इधर ले जाता हूँ और इस वाले को उठा के इधर ले आता हूँ, तो 0.2x माइनस 0.14x इज इक्वल टू 1680 माइनस 1200, यहां से हो गया 480 ठीक है, और यहां से हो गया 0.06x, x की वैल्यू 480 बाय में 0.06, 0.0 से गया 100 यहां पर ठीक है, तो यहां से ये गया कितना हो गया भाई जल्दी से बताओ, 8 आ गया 80 और यहां पे 2 0 और 8,000। अभी 8,000 क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ये एक्स की वैल्यू है, हमसे पूछा क्या है सिंपल इंटरेस्ट इन द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, यस सॉरी हमसे पूछा क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो हमसे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई 12,000 में 8,000 ऐड कर दो, 12,000 के साथ 8,000 आपने टोटल लगाया ना भाई, कितना होगा 20,000। अगर आंसर 8,000 जल्दबाजी में कराते तो गलत था, आंसर क्या आएगा बी, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन को अंदर ध्यान से पूछना भाई, 12,000 के साथ साथ आपका कितना एक्स्ट्रा आप पैसा यहाँ पर डाल रहे हो एट 20%, तो 8,000 डाल रहे हो, टोटल कितना डाला 12,000 प्लस 8,000 20,000, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। द डिफरेंस इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम डिवाइडेड ऑफ रुपीज 1500 फॉर 3 ईयर इज रुपीज 18, तो डिफरेंस कितना होगा, अच्छा याद करो डिफरेंस इन देयर रेट्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू मान लो डिफरेंस डी होगा ठीक है, और इसको जब मैं इसके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कराऊंगा बाय में 100 करूंगा तो जो हमारा डिफरेंस का इंटरेस्ट बनता है ना उसके इक्वल आ जाएगा, ये मैंने बताया हुआ आपको शॉर्टकट, तो 18 इज इक्वल टू 1500, डिफरेंस का मान लो डी जो आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड है 3 साल बाय 100, 2 0 से 2 0 गया तो डी की वैल्यू आ गई है 18 बाय 45, 18 बाय 45 कितना हो गया भाई 0.4, 0.4 इज द आंसर, सही है, बढ़िया प्यारा सिंपल क्वेश्चन है ना। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये क्वेश्चन देख के ना मुझे हंसी आ गई भाई, आपको पता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, 5% से ज्यादा हो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ए देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है, फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय में कन्वर्जन पीरियड इनटू 100 की पावर कन्वर्जन पीरियड इन माइनस 1 और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई, यस कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली के लिए कितना है 2 है, सीपी की वैल्यू 2 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 5% है, पुट करो दोनों वैल्यू आपका आंसर खुद ब खुद चलते हुए आपके पास आ जाएगा, बट मेरे को दिख रहा था। सिमिलरली 13 में भी यही है भाई, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का इनम फिर इंटरेस्ट रेट पेड पेबल क्वार्टरली, कन्वर्जन पीरियड कितना हो गया भाई अपना 4 हो गया, क्वार्टरली के लिए कितना होता है 4 होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम ठीक है भाई, यस अब 10% से ज्यादा ही होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल था यार क्या कर रहा है भाई, इतना इजी चीज कुछ कुछ दिए सारा कुछ नहीं। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, 25,000 पहले साल है तो नेक्स्ट साल क्या हुआ 3% बढ़ गई, तो 3% बढ़ने की वजह से क्या होता था, याद करो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा तो 1 प्लस R1 बाय 100 पहले साल, 1 प्लस R2 बाय 100 अगले साल और 1 प्लस R3 बाय 100 तीसरे साल, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते थे, यस तो यहाँ पे अगर मुझे करना है तीनों साल में अलग अलग चल रहा है तो 25,000 में 1 प्लस 3 बाय 100 पहले साल, 1 प्लस सेकेंड साल में कितना होगा 4%, तो 4 बाय 100 नेक्स्ट ईयर और 1 प्लस 5 बाय 100 आखिरी साल, ये आंसर आ जाएगा, यस तो 25,000 इंटू 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.05 आपका आंसर आ गया, कितना हुआ भाई 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.05 इंटू में 25,000 आंसर आ गया 28119, 28119 आंसर ए हो गया ना बेटा, सिंपल है। अब ए और बी में कंफ्यूजन हो सकती थी क्योंकि अगर ऑप्शन देख के एलिमिनेट भी करना होता मुझे पता है, सिमिलरली जैसे इसमें से मुझे पता है कि ये या ये आंसर आने वाला है, डेसिमल वाला होता है ये हमारा प्रथा चलती आई है, बट कौन सा निकालना होगा,
वैल्यू ऑफ स्कूटर दे रखी है 10,000, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है भाई। डेप्रिशिएट के अंदर में क्या होता है, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाता है, माइनस ऑफ 10% हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 10/100 कितने साल के लिए, 7 साल के लिए निकाल लो। 1000 इंटू 0.1, 1 में से माइनस, तो 0.9 की पावर 7, तो ये 10,000, सॉरी 10,000 इंटू दिस। 0.9 की पावर 7 निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.9 लिखेंगे इंटू इक्वल टू दबाएंगे, जब तक 7 से एक बड़ा नंबर यहां ना आ जाए, है ना। 7 से एक बड़ा नंबर 8 आने, देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 0.4782969। इसको मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई कराया तो आपका आंसर आ गया 4782.969, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है भाई, ए पार्ट के। यस, सिंपल एज दिस। अच्छा क्वेश्चन बेटो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिंपल इंटरेस्ट ये दे रखा है, टाइम बताना है, ठीक है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन आसान भी है और कुछ क्वेश्चन थोड़े बढ़िया भी है, दिखाऊंगा बढ़िया वाले भी, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के ज्यादा नहीं है। तो 0.125 पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी, तो आर कितना दे रखा है 10% / 100, टाइम नहीं पता है। यस, तो पी से पी कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो गया, तो टाइम हो गया 1.25 ईयर। अरे सिंपल क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर एज टू एक्यूमुलेट 6 lakh rupees एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो, हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में हो रही है, एंडिंग में हो रही है, नहीं बताया, तो मानेंगे कि हमारी हर साल के एंड में, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी जो निकालनी है 1 + i। i कितना है जी, हर साल पेमेंट हो रही है, तो 10/100 हो जाएगा, है ना। कि पावर कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, -1/ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 10/100, दैट इज 0.1। ए की वैल्यू 6 lakh इंटू 0.1। अब 1 + 10/100 इज 1.1, ये 1.1 आएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यही दे रखा है बुक में, 1.1 की पावर 10 कितना है ये, यस। तो उसमें से माइनस वन कर देंगे तो 1.59374 बच गया। तो 6 lakh को मुझे इस नंबर से डिवाइड कराना है ना, 6 lakh को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 60 हो जाएगा, 60,000/1.59374, दिस इज कमिंग 37647.3 अप्रोक्सीमेटली, जो कि ए पार्ट बन रहा है ना, सिमिलर लगभग ए के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, फाइंड द प्रिंसिपल। भाई CI - SI का अपन ने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है याद करो, पी इंटू में क्या करते थे, 1 + rate of interest / 100 की पावर जितने साल के लिए चढ़ा रहे हो, ठीक है, एन साल के लिए, माइनस का अपन करेंगे 1, माइनस करेंगे अपन यहाँ पे आर इंटू एन बाय 100, ठीक है। यस, बेसिकली अपन ने ये वाला पार्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पी इंटू ये वाला पार्ट बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, वही किया है। यस, इसकी वैल्यू दे रखी है 21, तो पी इंटू में आर कितना है 5%, तो 5/100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है जी, 2 है। यस, माइनस 1 इंटू आर 5 इंटू 2/100, इसकी वैल्यू 21 है। तो पी कितना हो गया भाई, पी हो गया 21 बाय में दिस वैल्यू, ये कितनी हो रही है 1.05 का स्क्वायर, 1.05 इंटू इक्वल टू इज दिस वैल्यू 1.1025, माइनस 1 माइनस 5 इंटू 2 बाय में 100 इज 0.1, तो वैल्यू आ रही है 0.0025। 21 को डिवाइड कराया 0.0025 से, मेरा आंसर आ रहा है कुछ 8400। कैलकुलेशन है यार, अच्छी, अच्छा था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। यस, ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्कूटर इज ₹7290 इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेस एवरी ईयर बाय द 10%, ठीक है। यस, देन इट्स वैल्यू बिफोर 3 ईयर वॉज, अब समझो 3 ईयर वॉज मतलब एक्चुअली में प्रेजेंट वैल्यू जो दे रखा है वो आफ्टर 3 ईयर्स की वैल्यू दे रखी है। तो ये हमारा क्या है, ये अमाउंट है जो 3 ईयर्स बिफोर की वैल्यू थी वो यहां पर थी, है ना, और इसमें से डिक्रीज कितना हो रहा है
10% का हो रहा है, तो 10/100 का कितने साल के लिए हुआ है, 3 साल के लिए, ये हो जाएगा। तो P is equal to 7290/0.9 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज 7290/0.729। अरे सिंपल कैलकुलेशन है, 10,000 आंसर आ गया। यस, कैलकुलेशन सिंपल है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और पॉइंट लगा रखे तो 3 बार पॉइंट एक डिजिट के आ गया है, तो क्यूब करने पे 3 डिजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा था भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। मिस्टर एक्स लेंड सम अमाउंट ऑफ मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड ही ऑब्टेन्ड ₹520 लेस देन ही लेंड इन 5 ईयर। ₹520 कम मिले प्रिंसिपल से, ये क्या अमाउंट होगा, ये सोचने वाली बात है। अब अमाउंट एक्यूमुलेटेड होता है ऑब्वियसली ग्रेटर देन प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पॉजिटिव है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव है, तो ये अमाउंट क्या होगा जो कि हमारा प्रिंसिपल से कम हमें मिल रहा होगा, ये होगा एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये बेटा सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर, आर कितना देर का, 4/100 इंटू टाइम पीरियड इन 5 ईयर्स इज 5 - 520। तो यहां से हो गया 520 किसके इक्वल, पी में से 0.2 पी चला गया, है ना, 4 × 520 × 20/100 = 0.2 पी, पी इज इक्वल टू 520/0.8 आ गया, तो 5200/8 = 650 आपका आंसर आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मतलब मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर, मुझे लगा कि यार हमारा एग्जामिनर कुछ अलग कर रहा है, सेम ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन इसे सिंपल इंटरेस्ट के इतने प्यारे दिए ना, मुझे लगा यार क्या चाहता है ये, प्यार कर दूं इन क्वेश्चंस को, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन जैसे ये वाला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ₹8829 इज इन्वेस्टेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब 8829 को 3 पार्ट में भागा गया, ए बी और सी, in such a way that their amount at 4% per annum after 5 year 6 and 8 year are equal, to matlab is amount ka total amount, kya amount equal ho raha total amount, to matlab isse interest lagaya gaya 5 year baad mein, to hamara kitna bana, a plus mein 5 × 4/100 × a, hai na, p into r into t by 100, ye interest ye principal, ये अमाउंट किसके इक्वल आया, इस वाले के 6 साल में बाद में, तो बी प्लस में बी इंटू 6 साल बाद कितना होगा जी, इंटरेस्ट रेट तो 4 ही है, इसके इक्वल आया। और ये किसके इक्वल आया, सी के, ठीक है, सी के सेम चीज इंटू कितने साल बाद, बट 8 साल बाद, थोड़ा आपको दिखेगा नहीं तो मेरे को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा भाई, वरना दिखना बंद हो जाएगा, यहां चल देते हैं। यस, तो यहां से सिंपल करते हैं, 5 × 4 = 20/100.2 है, तो 1.2a हमारा इक्वल आया यहां से कितना, 6 × 4 = 1.24b, और ये आया यहां से 1.32c, ठीक है। सो अब ये बोला है कि a b c की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वल है 1.2a is equal to 1.24b is equal to 1.32c, और a plus b plus c हमारा 8829 है। तो पहले देख लेते हैं कि भाई किस किस का सम 8829 बन रहा है, तो मैं सबका ऐड करता हूं, 3069 + 2970 + 2790, पहले वाले का सम तो 8829 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट 3089 + 2970 + 2790, 8849 आ रहा है इसका सम, तो नहीं भाई 29 नहीं आया, तो इनका सम कितना आना चाहिए 8829, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट 3609 + 2970 + 2790, ये तो और भी ज्यादा आ गया भाई, ये आ गया 9369, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओ ना, 3069 + 2960 + 2760, तो ये ऑप्शन, अबे भाई ये तो और भी बड़ा आ रहा है आंसर, नहीं और बड़ा तो नहीं आ रहा, मैंने शायद गलती कर दिया, ठीक है, 2960 + 2760, ये आ रहा है 8789, हमारा यहाँ पे कोई आंसर नहीं आया, सिर्फ एक ही आया, 8829 एक ही आंसर आया, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आंसर है। फिर भी क्रॉस वेरीफाई करके देख लो, क्या 1.2 × 3069 क्या इक्वल आ रहा है 1.24 × 2960 के,
चेक कर लो क्या इक्वल आ रहा है 1.32 × 2790, या मुझे चेक करके बताओ, आना ही चाहिए। ये सेकंड स्टेप क्रॉस वेरीफाई करने में भी आपको पता चल जाएगा यही ऑप्शन है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन के अलावा किसी और तरीके से करते तो टाइम लगता। ये क्वेश्चन देखिए, इसने बहुत बड़ी गलती करी, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इसको छोड़ने का मन करेगा, सही बता रहा हूँ। मैं बोला था ना, वो दो चार क्वेश्चन इसने बहुत खतरनाक दिए, जैसे एक 21 क्वेश्चन दिया, एक 22, मतलब इसने क्या किया, लड़ी से एक साथ क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट देने शुरू कर दिए, पहले आसान फिर 20, 21, 22 जो है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन दे दिए। बट कोई बात नहीं यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, हम बढ़िया बच्चे हैं, करो फिर। कह रहे 1000 रुपए का बॉन्ड पे करना था, एनुअली डिवाइड किया गया है एट 8.5% पर, विल बी रिडीम्ड एट पर एट द एंड ऑफ 10 ईयर। Find the purchase price of the bond if the investor wishes to yield the investment of 8%. कैसे होता है याद करो, मतलब कि इन्वेस्टमेंट 8.5% हर साल चाहिए, कितने की 1000 की, तो 8.5% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, 8.5 × 1000 / 100 है ना, परसेंटेज का डिवाइड हो जाएगा 85 रुपए। तो पहले साल 85 रुपए चाहिए, दूसरे साल के अंदर में 85 चाहिए, तीसरे साल में 85 एंड सो ऑन, आखिरी साल में 85 के साथ 1000 भी चाहिए। यस, ये चाहिए, ये 10th ईयर में चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि भाई हम कितना पैसा डालें कि हम 8% का इंटरेस्ट लें, तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में मिल रहा है, तो ये तो फ्यूचर में मिलेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+ में किस रेट में हमारे को चाहिए भैया, 8% में है ना, तो 1+ में 8% को डेसिमल में किया तो 0.08 है ना, एक साल के लिए है तो ये डिवाइड में, यहाँ पे 1+ में 0.08, ये दो साल बाद के लिए था तो पावर में 2 चला गया है ना। भाई फॉर्मूला पढ़ा था ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1+i/n, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू बाय में 1+i/n। फ्यूचर वैल्यू 85 85 है, ये फर्स्ट ईयर बाद, सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ऐसे ये 10th ईयर बाद में, और ये भी 10 ईयर बाद में, इसकी वजह से ये हो गई है ना 1+i/1 है ना, यहाँ पे 1+i/3, सेम यहाँ पे 10 के अंदर में 1+i/10 हो जाएगा, और सेम यहाँ पे भी चला जाएगा फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। 85 85 85 85 ऐड हो रहा है, तो ये प्रेजेंट वैल्यूज का जो सम है बेटा, ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड बन कर आएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है, जहां से 85 / 1.08 हमारा ए है। आर क्या दिख रहा है भाई, इसको इससे डिवाइड कराओगे तो आर दिख रहा है मुझे 1/1.08, इसकी पावर कितना जी, 10 तक जा रही है, 10 तक जा रही है ना, ये अब लेस देन 1 है तो 1 में से माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस का 1/1.08, ये बन गया पार्ट, ठीक है। यस, तो इसका ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस में 1000/1.08/10, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा, ठीक है। मोटा मोटा जब मैंने आंसर देखा तो मेरा ऑप्शन बी आ रहा था, मैंने कैलकुलेट करके देखा भाई, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, आ जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, हाँ बट मुश्किल है। तो 85 / में यहाँ से अगर सॉल्व करोगे 1.08 से कटेगा, यहाँ पर बचेगा 0.08, और यहाँ पर 1.08/10 1.08/10, ठीक है, जो कि आता है अपना 1 - 1/2.1589, ठीक है। क्यों लिखा ये वैल्यू, क्योंकि नीचे में भी आ रही थी, अच्छा इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, क्योंकि नीचे में आ रही है ना, प्लस में 1000/2.1589, सॉल्व कर लो भाई, इतना ही आएगा, कितना आएगा ऐड करके देख लेना, इतना आएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, मतलब मैं छोड़ देता, कसम से बता रहा हूँ, मेरे को इतनी लंबी कैलकुलेशन देख के ही डर लग जाता, और मैं सोचता कि यार छोड़ना छोड़ना इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक आधा क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कौन सा छोड़ना है, मतलब ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि किसको छोड़े, किसको हम अपना सॉल्व करें, आखिरी में कर लेता यार क्वेश्चन करने वाला, कोई क्वेश्चन मुश्किल इतना नहीं आता कि नहीं कर सकते, हाँ बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं कि यार क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, बहुत जरूरी है देखना। कह रहे मिस्टर एक्स इन्वेस्ट रुपीज 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू लगनी है, वो एन्युइटी कौन सा वाला लगेगा, इमीडिएट वाला, फॉर द टुडे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8%, ठीक है, एनुअल एनुअल कंपाउंड कंपाउंड कैसे हो रहा है, एनुअली हो रहा है।
कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? एन्यूटी 10,000 है, 1+ i, i कितना है जी 8%, तो यहां हो जाएगा 8/100 0.08 की पावर कितने साल के लिए, 10 के लिए, -1/ 0.08। बट क्योंकि ये हमारा रेगुलर का केस नहीं है, इमीडिएट का, क्योंकि स्टार्टिंग में हो रहा है, तो यहाँ पे इसको 1+ में 0.08 से मल्टीप्लाई और कराना पड़ेगा, इसकी वजह से आंसर गलत होगा। ठीक है, 1.08 की पावर 10 अभी हमने वैसे निकाली थी, कोई बात नहीं दोबारा से निकाल लेते हैं। 2.158, ठीक है, कितना रहा है 2.1589, जरूरत नहीं लिखने की इसकी वैल्यू, है ना, सीधा उसमें से माइनस वन कर देंगे। 1.08 की पावर 10 कैसे निकाली, 1.08 इक्वल टू प्रेस कर मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रेस करते गए जब तक 10 से बड़ा एक नंबर ना आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है, देख लो भाई, माइनस करेंगे 1, डिवाइड कराएंगे 0.08 से और मल्टीप्लाई कराएंगे 1.08 से, तो मेरा यहां पे आ रहा है 1,5.64548। इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया 156,454.87 रुपये। ठीक है, 87-88 लॉस इतना ही आ रहा है भाई, 156,454, ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर आ गया, क्लियर है भाई? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 girls and 5 boys आर टू बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 girls सिट टुगेदर। ठीक है भैया, पहले 5 boys को बिठा दो, है ना, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5। अब यहाँ पे 5 boys को 5 जगह पे बिठाने के ये तरीके हो गए, कितने भाई, 5 boys को 5 जगह पे बिठाने के 5 factorial तरीके हैं। यस, अब हमारे पास 6 जगह है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मेरे को लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाना है, तो मतलब उन हर लड़की के बीच में एक लड़का होना चाहिए, मतलब 6 जगहें हो सकती हैं, 6 जगहों में से किन्हीं भी 3 जगहों पे लड़कियों को बिठा सकता हूँ। 5 factorial कितना होता है 120, 63, 6 × 5 × 4, तो ये भी 120 × 120 हो जाएगा 14400, है ना, दिस विल बी ऑल्सो 120 ना, 12 का square × 20, 14400। अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6 नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कितना डिजिट का नंबर बनाना, 5 digit का, यस, आखिरी में जब तक 0 और 5 नहीं आएगा हमारा नंबर डिविजिबल 5 से नहीं होगा, तो यहाँ पे इनमें 0 तो है नहीं, है ना, डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, तो मतलब यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ ऑक्यूपाई हो सकता है। अब ये मान लो जगह ऑक्यूपाई होती है 5, बाकी 5 में से एक, है ना, एक कोई भी नंबर मान लो 1 चला गया यहाँ पर, अब बाकी 5 नंबर में से कोई एक यहाँ आ सकता है, एक नंबर वो चला गया है, तो बाकी इसको 4 तरीके से भर सकते हैं, फिर एक और नंबर चला जाएगा इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, आंसर कितना आ गया 5 × 4 × 3 × 2 × 5, आंसर आ गया 600। भैया परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यही सब प्यारी बात है यार, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बहुत जल्दी आंसर आता है। हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ 3 people कैन बी फाउंड आउट ऑफ 5 people, भाई 5 में से 3 लोगों को चूज करो, ग्रुप फॉर्म हो गया, है ना, ग्रुप फॉर्म करना है, 5 में से 3 को चूज कर लो ना, तो 5c3 कितना होता है 5 × 4 / 2 × 1, यस 5c3 इज इक्वल टू 5c2 जो कि 5 × 4 / 2 × 1, ये शॉर्टकट सिखाया था, दैट इज इक्वल टू 10, यस बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी दोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 people बी सीटेड एट रैंडम फ्रॉम 6 boys and 4 girls If there are exactly 2 girls, तो मतलब 4 लोगों में से 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, 2 boys हैं और 2 girls हैं, भैया 6 boys में से हमें 2 को चूज करना है और 4 लड़कियों में से 2 girl को चूज करना है, ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई 6 में से 2 चूज करने के तरीके 6 × 5 / 2 × 1, 4 में से 2 चूज करने के तरीके 4 × 3 / 2 × 1, 2 से 2 गया और 2 से 4 गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 से 2 गया, कट गया, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90, ए भाई 90 लिख रहे, 30 कहाँ लिख रहा है, ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ np3 ratio np2 is 2:1, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ लिखना था इनको जी फाइंड n, तो np3 क्या होता है, np3 होता है n into n minus 1 into n minus 2,
टू है ना, एन से तीन नंबर लिखना है एक एक कम करके है ना, एन को मिलाकर। सिमिलरली इसका रेशियो एनपी टू, एनपी टू क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन, ये रेशियो टू बाय वन दे रखा है, तो एन और एन गया, एन माइनस वन और एन माइनस वन गया, एन माइनस टू हमें टू दे रखा है, एन की वैल्यू फोर आ जाएगी, एन की वैल्यू फोर आ जाएगी, सिंपल है। पहली बात ये तो आंसर एन का हो नहीं सकता था, नंबर जो है आपका डेसिमल में या रेसिप्रोकल में नहीं आता, चार या पांच में से कंफ्यूजन था, 50-50 खेल लेते अगर आंसर समझ नहीं आया। सम लाइंग फ्रॉम 100 टू 300 व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5, चार और पांच दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो मतलब इसके एलसीएम से डिविजिबल होगा, तो बेसिकली 20 से डिविजिबल होगा, एलसीएम कितना है 20, तो भैया कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 120, 140 है ना, 100 से 300 के बीच में 160 जो 20 के टेबल पे आते होंगे, एंड सो ऑन कहां तक 280 तक, 100 से 200 300 के बीच में, तो कितने नंबर हो जाएंगे अगर हम देखते हैं 280th, ये कौन सा नंबर होता है, ये 14th नंबर होता है ना, और 120th ये 6th नंबर होता है, तो 6th से लेकर 14th तक नंबर लेना है, तो कितने नंबर हो जाएंगे बताओ, दिस विल बी एक्चुअली में 14 में से पहले पांच नंबर हमने हटा दिए ना, अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर था 20, देन सेकंड था 40, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, तो ये पांच हटा दिए 14 में से, तो 14 माइनस 5 11 नंबर है हमारे पास टोटल, यस ये कितने नंबर है 11 नंबर है, तो n की वैल्यू कितनी होगी जी 11, a कितना है जी 120, l कितना है जी 280, पूछा गया है सम, सम क्या हो जाएगा sn हो जाएगा, ap दिख रहा है n by 2, 11 by 2 into a plus l, yes तो कितना होगा 11 by 2 into 400, तो आंसर आ गया है बेटा 2200, सम कितना होगा जी 2200, क्लियर है भाई, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एक्स टर्म्स ऑफ 2ap आर इन द रेशियो 3x + 5 एंड 5x + 3, सम ऑफ एक्स टर्म्स ऑफ 2ap, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है मैंने, यस एक्चुअली मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं, यही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली इसने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से ही उठाए हैं, यस तो हम कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन क्लास में करा हुआ है, देन द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म इज, तो ये तो और इजी दे दिया, तो मान लो पहली टर्म जो है S1 है, इसका सम कितना हो जाएगा, लेट सपोज N1 बाय, अच्छा टर्म्स N ही है, सम टर्म X ही है, X ही है, ओके टर्म्स कितनी है भाई X ही है, तो हो जाएगा यहाँ पर X बाय 2 इंटू में 2A प्लस X माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, अच्छा इनका कॉमन डिफरेंस मान लेगा पहले का 1 है और दूसरे वाली S2 है, Yes, तो दूसरे वाली S2 क्या हो जाएगी X by 2 into 2A plus X minus 1 into D, अब ये मान लो इनका A और D अलग अलग है, इसका रेशियो अपने को दे रखा है 3X plus 5 by में 5X plus 3, हमें रेशियो 10th टर्म का पूछे, तो 10th टर्म क्या होगी A plus 10 minus 1 9D, तो A1 plus D 9D1 ये पहली वाली हो जाएगी है ना फर्स्ट वाली सीरीज का, और सेकेंड वाली सीरीज की 10th टर्म क्या हो जाएगी a2 plus 10 minus 1d, तो 9d d2, yes इसका रेशियो पूछा है, ठीक है यहां से x2 और x2 कट गया, ठीक है अगर मैं यहां पर 2 कॉमन ले लू, 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें, ठीक है 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 into में a1 plus x minus 1 by 2 into d1, और यहां पे भी 2 कॉमन ले लिया तो a2 प्लस में x माइनस 1 बाय में 2 इंटू d2 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 बाय में 5x प्लस 3, 2 से 2 गया। अगर बेटा यहां पे देखो a1 है, मुझे इसका रेशियो चाहिए ना d1 है, a2 है, d2 है, तो अगर मैं x माइनस 1 बाय 2 को बोल दू अगर 9 के इक्वल है और इसको डाल दू यहां पर x की जो भी वैल्यू आ रही है x माइनस 1 बाय 2 को 9 डाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यस yes? तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चे यहां पर 9 into 2 18, 18 plus 1 19 हो जाएगी, यस yes? यहां से मेरा ये आया, सो अगर मैं x माइनस 1 को कितना डाल दूं जी यहां पर 9 डाल दूं तो a1 plus 9d1 by में a2 plus में 9d2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा x की वैल्यू x माइनस 1 बाय 2 को अगर 9 डाला है तो x को अपन ने क्या डाल दिया भाई यहां पर 19 डाल दिया है, यस यहाँ पे भी 19 डाल दिया है,
यहां से हो गया अपना 727 और 3, 57 प्लस 5 62, और यहां से हो गया अपना 85 प्लस 3 88 आएगा, देख लो सॉरी 98 98 है ना, 95 प्लस 3 हो गया ना बेटा 98, दोनों 2 पे गए, ये हो जाएगा 31 बाय में 49। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी यहाँ पे कटिंग कर लो यार, 31 बाय में 49, यस ए ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा है, इसको कुछ सॉल्व भी कर सकते थे यार, कोई बड़ी चीज नहीं थी, अच्छा क्वेश्चन है बट बहुत प्यारा क्वेश्चन। यस नाउ ये सेट्स का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, यस फाइंड द नंबर हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, क्वेश्चन ये पूछा गया, 150 बच्चे है, 45 अकाउंट में पास हुआ है, 30 इकोनॉमिक्स में हुआ है, तो हमें दे रखा है अकाउंट्स वाले दे रखे हैं 45, इकोनॉमिक्स वाले दे रखे हैं 30, मैथ्स वाले दे रखे हैं 50, अकाउंट्स और मैथ्स वाले दे रखे हैं 30, मैथ्स एंड इको वाले दे रखे हैं 32, और इको अकाउंट्स और इको में जो पास हुए हैं वो दे रखे हैं 35, ठीक है, और तीनों में जो पास हुए अकाउंट्स मैथ्स, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट्स और क्या था भाई स्टार्टिंग में मैथ्स था, ओके मैथ्स था, और इको में जो पास हुए हैं वो दे रखे हमें 25 बच्चे, इन ऑल थ्री सब्जेक्ट है ना 25, तो हमसे पूछा गया तो एटलीस्ट वन में हो, तो एटलीस्ट मतलब ए में हुआ हो, बी में हुआ हो या ई में हुआ हो पास, तो क्या होता था इन तीनों का सम कर देते थे, यस माइनस कर देते थे जो डबल डबल इंटरसेक्शन वाला है, और ऐड कर देते थे जो तीनों में आ रहा है। फटाफट से सॉल्व करके आंसर बताओ कमेंट में कितना आ रहा है, जल्दी से आंसर बताओ कितना आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 31 का आंसर जल्दी से कमेंट बताओ। ये रिलेशन क्या है, ए अगर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होने की सिंपल सी प्रॉपर्टी है यार हमारा, 11 22 33, ये तीनों पेयर आने चाहिए और इसके अलावा कुछ आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, क्या 11 22 33 आ रहा है, यस सर, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये, हो सकता है इक्विवेलेंस हो, इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक क्या है या ट्रांसिटिव है ये चेक कर लो, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, देखते हैं। 2 3 दे रखा है तो यहाँ पे 3 2 होना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए, तो 3 2 दिख रहा है क्या, नहीं सर तो सिमेट्रिक तो नहीं है। अब अपने को 1 2 दे रखा है और 2 2 दे रखा है, तो 1 2 है, ठीक है, 2 3 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, तो ये भी है, यस, तो भैया जी फंस गए, ओ नहीं बच गए, देखो 1 2 दे रखा है अपने को और 2 3 दे रखा है, तो यहां से 1 3 भी होना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए, ये था ना, ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, क्या 1 3 है क्या, नो सर नहीं है, तो बेसिकली ट्रांजिटिव भी नहीं है फिर, तो क्या है सर, रिफ्लेक्सिव है, यस इक्विवेलेंस नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, कह रहा है कि अगर x और y दो हैं, दोनों a को बिलोंग करते हैं, तो x इंटू y भी a को बिलोंग करता है, या फिर x y y a को बिलोंग करता है, x माइनस y a को बिलोंग करता है, x प्लस y, तो x प्लस y का मतलब क्या है जी, ये होना चाहिए, क्या ये हमेशा स्क्वायर होगा, नहीं मुझे तो यही स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना, मतलब a को बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए, दिस शुड बी स्क्वायर, a में क्या आ रहे हैं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आ रहे हैं, क्या ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, नो सर, तो पहला ऑप्शन नहीं है, सम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, लॉजिकली दिखता है, डिविजन देखते हैं, तो अगर मैं 4 स्क्वायर को 3 स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कोई भी नंबर ले सकता हूं, क्या ये हमें परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी ए को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो आखिरी चलते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर है ना, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यस क्या ये ए को बिलोंग कर रहा है, यस, कोई और नंबर पकड़ते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, एक्स ये लिया वाई ये लिया, क्या हो गया 5 इंटू 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, क्या ये ए को बिलोंग कर रहा है, यस 20 का स्क्वायर आ रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब डी ऑप्शन है ना, कि भाई अगर एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं और एक्स भी परफेक्ट स्क्वायर है, वाई भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक्स इंटू वाई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका कहने का मतलब ये है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 32, फिफ्थ टर्म क्या होती है भाई, फिफ्थ टर्म होती है ए आर 4 है ना, 5 माइनस 1, आर की पावर 5 माइनस 1, ये 32 है। थर्ड टर्म इज 8, तो थर्ड टर्म क्या होती है, ए आर 3 की पावर माइनस 1, दैट इज ए आर स्क्वायर, ये 8 है।
तो सिक्स्थ टर्म क्या होगी, सिक्स्थ टर्म क्या होगी, ए आर सिक्स माइनस वन, तो ए आर की पावर फाइव, ये क्या होगी, यस इसको डिवाइड करा दिया, ए से ए गया, आर स्क्वायर आ गया 32/8, तो चार के बराबर है ना। तो आर कितना आ गया जी, प्लस माइनस टू, हम प्लस वाला लेंगे टू क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, तो टू आ गया, टू डालेंगे तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये ए आर स्क्वायर इन टू में आर क्यूब है, क्योंकि ए आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है ना यहाँ पे क्या दिख रही है, आठ है, तो आठ इन टू में टू का क्यूब, सो आठ इन टू में टू का क्यूब कितना हो गया, आठ, दैट इज 64 ऑप्शन नहीं है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है भाई, ये आपकी एमटीबी में मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे 64 आएगा, ठीक है, ठीक कर लेना। 34 का आंसर क्या आ गया भाई, डी आ गया सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2048, क्या दिख रहा है, जीपी दिख रही है, ए क्या है, टू है, आर क्या है जी, टू है, तो ए की पार आर एन माइनस वन पूछ रहा है 2048 कब है, तो टू इंटू टू की पार एन माइनस वन हमारा 2048, अच्छा यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर एन माइनस वन है, तो टू की पावर एन 2048, 2048 अगर आपको नहीं पता है तो 1024 याद है आपको हमारा क्या था, 2 की पावर 10 था, यहाँ तक मैंने बोला था याद करने के लिए, तो 2048 बेटा हो जाएगा आपका 2 की पावर 11 है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2 की पावर 11 बन जाएगा, ये एन की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, यस क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना है। The number of proper subset, proper subset कितने होता है, 2 into में number of elements, 2 की power number of elements minus 1, ये होता है proper subset, number of subset होता तो minus 1 नहीं होता, proper subset में एक हटा देते हैं जो कि itself वाला होता है, n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की power 5 minus 1, 2 की power 5, 2, 4, 8, 16, 32, 32 minus 1, 31 आ गया answer, simple question, next question, integration का question आया है भाई लोग, देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, e की पार x का इंटीग्रेशन e की पार x ही होता है, e की पार माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये होता है, ठीक है ना, यस, वैल्यू डाली गई है 1 और 0, पहले डालेंगे ऊपर वाली दैट इज 1 और इसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली वैल्यू, सो यहां से e की पार 1 माइनस e की पार माइनस 1, यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे माइनस कट गया, यहाँ से ई माइनस ई की पावर माइनस वन, ये आंसर। एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश 110 है, तो के की वैल्यू क्या होगी, डिफ्रेंशिएट करो, क्या होता है एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, एक्स की पावर एन, के क्या है, एन की तरह ट्रीट कर लो, तो के इंटू में एक्स की पावर के माइनस वन, अब f डैश 1 दे रखा है अपने को 10, तो मतलब k इंटू 1 की पार k माइनस 1 अपने को 10 दे रखा है, 1 की पार कुछ भी चढ़ाओगे वो 1 ही होता है, तो यहां से k की वैल्यू कितनी मिल गई, वाह 10 मिल गई है, ठीक है ना, अरे आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना है, करो भाई सॉल्व, डिफ्रेंशिएट करो इसको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या है भाई, अपने को पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा, देखो ए तो कॉन्स्टेंट एज इट इज रह जाएगा, ई की पावर एन एक्स है, तो क्या होता है जो भी पावर में होता है ना यहाँ पे एक्स के साथ में वो बाहर आ जाता है, सेम यहाँ पर बी के साथ में क्या है जी माइनस एन, तो माइनस एन उठ के बाहर आ जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि अपने को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यस ये होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना, तो यहाँ से ए एन तो एज इट इज है, यहां से n उठ के बाहर आ जाएगा ए एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, यहां पर माइनस एन और माइनस एन उठ के बाहर आ जाएगा तो बी एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन एक्स हो जाएगा, अगर एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा है ना, ये क्या है अपना वाई ही तो है, ये क्या है जी एन स्क्वायर वाई हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, अगर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बाकी अगर स्ट्रांग है तो कर लोगे, चलो ये क्वेश्चन करो, ये हमारा मैथ्स का आखिरी पार्ट है, ठीक है फिर हम लॉजिकल रीजनिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे बच्चा पानी, सो मैथ्स का आखिरी पार्ट का क्वेश्चन देखो क्या है, 2 की पावर 3x इनटू 3 की पावर 2x एंड 5 की पावर x का मल्टी इंटीग्रेशन हमें बताना है, सो 2 की पावर 3x को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इनटू x, 3 की पावर 2x को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर की पावर x और 5 की पावर x को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर x, है ना, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई, मेरे को पावर सेम करने का मूड था क्योंकि इजी हो जाएगा, फिर 8 की पावर एक्स और यहाँ से 3 स्क्वायर हो जाएगा अपना
9 की पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर एक्स। बेस सेम है तो क्या होगा जी, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 8 इंटू 9 इंटू 5 360, तो 360 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। 360 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ जो ए है, ए कितना है 360 प्लस में कांस्टेंट। तो देखो किसके बेस में लॉग 360 आ रहा है, लॉग 360 आ रहा है, बी ऑप्शन है, क्योंकि 3 की पावर 60 एक्स कहां से बनाया भाई, इसको शुरू ही हमने यहां से किया है, तो ये तो वापस रिवर्स मार दो ना इसकी गाड़ी यहां से यहां पर, यही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन ऐसे थे इंटीग्रेशन वाले यार, जिसने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। और 41 क्वेश्चन देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग, मिसिंग टर्म बतानी है। अच्छा जी, 3 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क 63 99 143, सारी के सारी ऑड टर्म्स है, अच्छा बढ़ रही है, थोड़ा और दिमाग लगाए। 15 को मैं 3 के टर्म में लिखो तो 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 63 को सिमिलर तरीके से मैं 7 इंटू 9 लिख सकता हूँ, 99 को 9 इंटू 11 लिख सकता हूँ, 143 बन जाएगा 11 इंटू 13, है ना, पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, दो दो बढ़कर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क में क्या दिख रहा है, ये 5 यहाँ से आएगा उठ के, है ना, ये 11 उठ के अगले में जा रहा था, ये 7 उठ के यहाँ आएगा, तो 5 इंटू 7 ये वाला आंसर आ जाएगा, यही हो रहा है ना, ये 3 उठ के यहाँ आ रहा है, फिर 3 से 2 बड़ा हम यहाँ ले रहे हैं, तो 5 आएगा यहाँ पे वापस, और 5 से 2 बड़ा हम लेंगे यहाँ पर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर 35 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 35। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल, मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। 7 26 63 124, क्वेश्चन को पढ़ते साथ हो गया, 7 क्या है भाई 8 स्क्वायर, 8 माइनस 1 है ना, 8 माइनस 1, 26 क्या है 27 माइनस 1, 63 क्या है, अरे ये क्वेश्चन ना अपन ने किया है, ये अपना लास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, बताओ लास्ट ईयर क्वेश्चन में अपने किया था, आंसर 511 आया था, मुझे याद ही आ गया, क्योंकि ये क्या है क्यूब्स है, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1 एंड 8 का क्यूब माइनस 1, ये अभी किया भाई अपन ने। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग, मिसिंग टर्म बताने का है भाई, जल्दी से बताओ मिसिंग टर्म क्या आएगी, 3 7 15 63 127, ये भी सिंपल दिख रहा है, 3 क्या है 4 माइनस 1, 7 क्या है जी 8 माइनस 1, 15 क्या है जी 16 माइनस 1, क्वेश्चन मार्क देख लेंगे भी, 64 क्या हो जाएगा अपना 64 माइनस 1, 63 ये 128 माइनस 1, क्या दिख रहा है 2 के पावर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा 16 से अगली पावर क्या हो जाएगी 32 माइनस 1, है ना, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1, दैट इज 31, यस, ये 2 की पावर 6 माइनस 1 है, ये 2 की पावर 7 माइनस 1, फाइंड ऑड मैन आउट, इसमें ऑड बताना है, 3 है फिर 4 है फिर 10 है फिर 32 है फिर 136 है फिर 685 है, अच्छा जी मल्टीप्लाई तो चल रहा है बट हर जगह मल्टीप्लाई नहीं कुछ और भी चल रहा है, तो इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखोगे, पहला देखो 3 से 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 में 1 को ऐड किया, तो कुछ ऐड भी हो रहा है इसका मतलब, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 4 से 10 बनाने की कोशिश करी तो मैंने 4 में 2 तो कहीं ऐड किया, अच्छा 4 से 2 मल्टीप्लाई कराऊंगा और 2 ऐड करूंगा तो 10 बन रहा है, या 3 को 1 से, अरे पैटर्न दिख गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो, तो अगला होना चाहिए क्या 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा के 3 ऐड करना, 33 आना चाहिए बट इसने 32 लिख रखा, तो शायद यही गलती है, पता चल जाएगा 136 पे, क्या 33 को इस 3 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करा के 4 ऐड करो 136 आएगा, तो देखो कितना हो गया 33 इंटू 4 132 हो गया, है ना, यस 132 प्लस में 4, यस दिस इज कमिंग 136, आइडेंटिफाइड, अगला देख लो भाई, फिर भी ये देखो ये 685 आना चाहिए, आ रहा है क्या, आएगा, यहाँ पे 33 आना चाहिए था 32 ले लिया बेटा, 32 गलत है, पैटर्न आइडेंटिफाइड, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ना पैटर्न बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाएगा।
वट स्टैंड फॉर आर इन द कोड, आर का कोड बताना है. तो बुक्स आर ओल्ड, ठीक है, 253 मतलब एक नंबर एक लेटर डिनोट कर रहा है. ओके, मी मैन इज ओल्ड, तो यहां भी ओल्ड आया, यहां भी ओल्ड आया. यस, तो मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ओल्ड है. तो ओल्ड क्या हो जाएगा जी, दोनों में कॉमन देखो क्या, पांच है, ओल्ड हो गया पांच. यस, तो पांच तो नहीं है आर का कोड क्योंकि वो तो ओल्ड का है. 378 मीन्स बाय गुड बुक्स. अच्छा देखो, बुक यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है. तो यहां पे टू और थ्री है, यहां पे थ्री और एट है. तो मतलब थ्री कोड जो है वो बुक्स का है. थ्री कोड किसका है, बुक्स का है. तो आर का कोड क्या बचा है, यहाँ पे टू बचा ना, एक ही वर्ड बचा और एक ही बचा, तो आर का बचा जी टू. आर क्या हो गया जी, टू हो गया. क्वेश्चन सिंपल है. नेहा वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आर हाउस एंड देन टर्न साउथ कवरिंग 4 किलोमीटर. नेहा 2 किलोमीटर वेस्ट जाती है, मान लो हाउस कहीं भी है उसका, ठीक है, 2 किलोमीटर वेस्ट जाती है एंड देन टर्न साउथ, साउथ को टर्न मार लेती है. हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजिशन, तो मतलब हमें इनिशियल पोजिशन का ध्यान रखना है, ये इनिशियल पोजिशन है, ठीक है. फाइनली शी मूव्ड 3 किलोमीटर वेस्ट, तो 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट इधर है. देन 1 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट किधर है भाई, उल्टा मार लिया, ये रहा जी वेस्ट, ये 1 किलोमीटर वेस्ट है. हाउ फार शी इज फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, तो एंडिंग पोजिशन है, सीधा इसी के नीचे आएगा, सीधा इसी के नीचे आएगा, 4 किलोमीटर नीचे आएगा, तो 4 किलोमीटर आंसर है ना. श्वेता मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 70, पूछा गया. अच्छा पहले आप क्वेश्चन के एंड में पूछ लो, पढ़ लो क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन वाज शी मूविंग फाइनली, आखिरी में क्या डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है. तो हमें फर्क नहीं पड़ता कितना काम में मूव किया, सिर्फ डायरेक्शन दिख जाओ. यस, श्वेता मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 75 मीटर नॉर्थ गई है. शी टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट गई है, तो लेफ्ट मतलब किधर भाई, ये लेफ्ट हो गया. एंड वॉकिंग फॉर अबाउट 25 मीटर एंड देन टर्न लेफ्ट अगेन, लेफ्ट वापस से मारा तो लेफ्ट ये हो गया. यस, 75 यहां पर है, 25 यहां पर है और 80 यहां पर है, तो चलो भाई 80 यहां तो कर लो, ठीक है. फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ, राइट एट एन एंगल ऑफ कितना जी अपना, 45 डिग्री. तो मतलब यहां से राइट मारना था, तो राइट कितना हो जाएगा, ये एंगल है ना, ये राइट है, बट राइट 45 डिग्री किया है, तो ये डायरेक्शन हो गई, ये फाइनल डायरेक्शन. ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ और वेस्ट के बीच वाली है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है. फाइनली किधर मूव किया भाई, साउथ वेस्ट में. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. वरुण फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, अच्छा वरुण का फेस टुवर्ड्स नॉर्थ है, ठीक है जी. टर्न टू हिज राइट, राइट मारा है, राइट ये है वरुण का. ही वॉक्स 25 मीटर, पूछा गया डायरेक्शन में, विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो पूरा कुछ निकालना पड़ेगा. 25 मीटर गया. ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, तो लेफ्ट ये है, 30 मीटर गया यहां से. नेक्स्ट ही मूव 25 मीटर टू हिज राइट, अब राइट मारा है यहां से 25 मीटर का. यस, ही देन टर्न टू हिज राइट अगेन, शुक्र है नीचे करा है, ऊपर गया ना फंस जाता मैं, राइट मारा है वापस से 55 मीटर का. ओ भाई हाँ, 55 मीटर सीधा, ठीक है. फाइनली ही टर्न टू हिज राइट अगेन, तो राइट मारा है 40 मीटर का, तो राइट यहां पर कहीं आ गया 40 मीटर, ठीक है. तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये रहा है ना, ये 25 है, 25 और 40 का यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हो गया. ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी साउथ है और ये मेरी ईस्ट है, साउथ ईस्ट आंसर आ गया, ठीक है ना भाई, साउथ ईस्ट आंसर आ गया. हो सकता है भाई इसमें डायरेक्शन की गड़बड़ कर दियो, 48 का एक बार देख लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है. पंकज इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पंकज 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया है. 40 देखो मैंने बोला था इसमें क्या करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले ऐड कर लेंगे. 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया है, देन अनदर 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया है. यस, एंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है. एंड आफ्टर दैट ही टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज इन 275, तो एंटी क्लॉकवाइज गया है कितना, 270, यहां गया 225 और यहां गया 270. बड़ा नंबर कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एक्चुअल में मूव करेगा कितना, ये 270 माइनस का 225 है ना. देखो क्लॉकवाइज 225 जाएगा और वापस से 270 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो टोटल मूव कितना करा, जहां पे ज्यादा डायरेक्शन में मूव किया, 270 में से क्लॉकवाइज इसका कैंसिल कर दो 45 डिग्री. तो यहाँ वेस्ट देखते हुए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली घड़ी के अपोजिट, 45 डिग्री इधर मूव करा दो, ये आंसर होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज 45, ये शॉर्टकट बताया हुआ है क्लास के अंदर में. यस, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट के बीच वाली, साउथ वेस्ट, सी आंसर.
मैन इज फेसिंग नॉर्थ, फाइंड क्या करना, फाइंड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नॉर्थ, तो पूरा निकालना पड़ेगा. एक मैन नॉर्थ फेस कर रहा है, ही टर्न्स 45 डिग्री, अच्छा सेम क्लॉकवाइज वाला है, क्लॉकवाइज मारा है इसने 45 डिग्री, एंड देन अनदर 180 डायरेक्शन, 180 वापस से क्लॉकवाइज मारा है, और 45 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मारा है 45 डिग्री. तो एक्चुअल में क्या किया इसने, क्लॉकवाइज मारा है 45 प्लस 180 में से एंटी क्लॉकवाइज 45 हटा दिया, तो 180. तो एक्चुअल में नॉर्थ देखने के बाद में इसने क्लॉकवाइज मारा है कितना जी, 180 डिग्री का, तो किधर देख रहा होगा, ऑब्वियसली बात है नॉर्थ से 180 मारेगा तो साउथ को देखेगा ना. शॉर्टकट तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है इसलिए. क्लियर है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है भाई, अपना ये सेटिंग अरेंजमेंट का. ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जेड आर इन द सेंटर. अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 एस और जेड सेंटर में, तो एस जेड यहां ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, ठीक है. ए एंड पी आर एट द एंड, तो ए यहां हो सकता है, यहां यहां हो सकता है, एक तरफ पी बैठेगा एक तरफ ए बैठेगा. यस, ये लेफ्ट मान लो, ये मान लो राइट, इतनी डायरेक्शन कर देनी है. आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर लेफ्ट ऑफ ए बैठा है, तो भाई आर अगर लेफ्ट ऑफ ए बैठा है तो ए को क्या होना पड़ेगा, राइट वाले कॉर्नर में, तो ये हो गया डायरेक्शन, तो मतलब पी आ गया यहां पर. यस, लेफ्ट ऑफ ए, तो हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है भाई. देखो अब एस जेड यहां बैठ जाए, कोई बैठ जाए, यहां पे एक ही इंसान बचा एक्स, यहां आएगा. एस जेड यहां बैठे, जेड एस बैठे, फर्क नहीं पड़ता, इसके राइट में कौन बैठा है, एक ही इंसान बचा एक्स, वही बैठ सकता है. यस, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी. पांच लोगों को बिठाना है इन ऑन द बेंच, 1 2 3 4 5 लेफ्ट एंड राइट, ये लिख दो सबसे पहला काम ये करना है. ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, अच्छा ए और बी साथ साथ बैठे, ऐसे बैठ सकते हैं या ऐसे बैठेंगे. सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी डी ऐसे बैठ सकते हैं और ये ऐसे बैठ सकते हैं. डी इज नॉट सिटिंग विद ई, तो डी ई एक साथ नहीं बैठे हैं. हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, तो कौन लेफ्ट एंड में बैठा जी, डी बैठा है. यस, सॉरी सॉरी, हु लगाया ना यहाँ पे, एंड लगाता तो डी के बारे में बात कर रहा है, हु लगा दिया तो बेटा ये ई के बारे में बात कर रहा है. तो ई हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट एंड, ई बैठा है यहाँ पे, तो डी यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब है ना डी यहां नहीं आ सकता, ये क्लियर हो गया. यस, सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, सी कहां बैठा जी, सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट बैठा है. यस, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए कहां है जी, राइट ऑफ बी एंड ई, तो ए राइट ऑफ बी है और ई, तो मतलब ए और बी यहां है, तो डी यहां हो गया. इनवर्स पोजिशन ए इज सिटिंग, ए कहां बैठा जी, बी और सी के बीच में बैठा है, ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी. यस, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं. देर आर फोर चिल्ड्रन पी क्यू आर एस सिटिंग इन अ रो, पी क्यू आर एस, पी ऑक्यूपाइड सीट नेक्स्ट टू क्यू बट नॉट नेक्स्ट टू आर, पी क्यू तो साथ बैठे हैं बट पी जो है वो आर के साथ नहीं बैठना पसंद कर रहा है. ओके जी, क्लियर है. इफ आर इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एस, आर जो है बड़ा शैतान है, वो एस के साथ भी नहीं बैठना चाहता है. हु इज ऑक्यूपाइड सीट नीड सिटिंग नेक्स्ट टू एस, सिटिंग एस के साथ में कौन बैठा है. अच्छा देखो पी क्यू साथ में बैठे, तो पी क्यू ऐसे बैठ सकते हैं और ऐसे बैठ सकते हैं. यस, पी आर के साथ नहीं बैठा है और आर एस के साथ नहीं बैठा, तो मतलब एक किनारे में आर को करना पड़ेगा अपने को, ये श्योरिटी है. एक किनारे में आर को कर दो, उसके साथ में एस और पी नहीं बैठेगा, उसके साथ में क्यू बैठेगा, ये भी फिक्स हो गया. ठीक है, तो मैं आर के साथ में क्यू को बिठाने वाला हूँ, ये तो मेरा फिक्स है. यस, अब क्यू बैठ गया इधर में, तो पी को इधर बैठना पड़ेगा और एस को इधर बैठना पड़ेगा. उल्टा भी हो सकता था अरेंजमेंट, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे पता है कि आर दोनों के साथ नहीं बैठा हुआ, तो मतलब आर के साथ में एक ही इंसान बैठ सकता है जो कि है क्यू, पी के साथ में नहीं, एस के साथ में, तो एक ही बच्चा क्यू इसके साथ बैठेगा. आर क्यू के साथ बैठेगा और पी क्या, पी कह रहा है मैं इसके साथ बैठूंगा, तो ये तीनों एक साथ बैठ के बचा गया एक किनारे में एस. तो एस के एडजेसेंट में कौन है जी, पी दिख रहा है और कोई नहीं है, तो एस भी एक किनारे में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग स्टैंडिंग इन अ सर्कल, सर्कल में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 ठीक है. बी इज सिटिंग, बी इज बिटवीन डी एंड सी, तो बी यहां है, एक तरफ सी है एक तरफ डी है, उल्टा भी हो सकता है. यस, उल्टा भी हो सकता है. ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए ई और सी के बीच में है, रुक जाओ इस पोजिशन में थामते हैं. एफ इज टू द राइट ऑफ डी, एफ जो है वो डी के राइट में. अच्छा देखो
ये लेफ्ट और राइट देख रहा है नीचे की तरफ, है ना, यहां से ये लेफ्ट है, यहां से ये राइट है, तो ये अपना राइट होगा और ये अपना लेफ्ट होगा। एफ कहाँ है? डी के राइट में, तो भैया जी डी को यहां बिठाना पड़ेगा तभी एफ यहां बैठेगा। यस, डी को यहां बैठाना पड़ेगा तभी एफ उसके राइट में बैठेगा, तो मतलब डी यहां बैठेगा, बिकॉज अगर मैं डी को यहां बिठा दूंगा उसके राइट में तो बी बैठ गया, बिठाना किसको तो है, एफ को बिठाना है, तो यहां बैठेगा, तो मतलब सी कहां बैठेगा जी, यहां बैठेगा। यस क्लियर है। अब आते हैं इस बात पे, ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए किसके बीच में है जी, ई और सी के बीच में, हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है जी, ई बैठा है, ई बैठा है ना, ई आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। अच्छा, 5% आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, 5 लोग लाइन में बैठे हैं, जैसे लाइन बोल दिया हमने, ये बना देना। सबसे पहला काम, वन ऑफ द 2% एट द एक्सट्रीम एंड इज प्रोफेसर एंड द बिजनेसमैन, एक तरफ में प्रोफेसर है दूसरी तरफ में बिजनेसमैन है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ अ स्टूडेंट, एडवोकेट जो है वो राइट में है स्टूडेंट के। अच्छा चलो, ये काम तो अच्छा कर दिया, इनकी फिक्स कर दिया है, स्टूडेंट के राइट में। एंड ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन के लेफ्ट में है, अगर बिजनेसमैन को यहां बिठा दूंगा तो उसके लेफ्ट में तो कुछ होगा ही नहीं, तो बिजनेसमैन को यहां बिठाना पड़ेगा, और इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा भाई हमारा, फिर कौन बैठेगा जी, ऑथर बैठेगा, तो प्रोफेसर यहां बैठ गया, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट यहां बैठेगा, एडवोकेट यहां बैठेगा, क्लियर हो गया ये। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट द एडवोकेट इज एट विच पोजिशन, एडवोकेट कौन सी पोजिशन पे, बीच वाली पोजिशन पे, तीसरी, इधर से भी देख लो तो तीसरी पे आता है एडवोकेट। बाकी क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, पूरे क्वेश्चन पढ़ने में मत जाओ, उतना ही पढ़ो जितनी जरूरत है। पीज क्यूज फादर, अच्छा भी हमें पूछा गया एस और पी का रिलेशन, ठीक है, पी जो है वो क्यू का पापा है, क्यू इज आर्स मदर, क्यू जो है वो आर की मदर है, एस इज आर्स ब्रदर, एस जो है वो आर का ब्रदर है, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस आर से पी से कैसे रिलेटेड है, एस पी का ग्रैंडसन दिख रहा है। पी इज क्यूज डॉटर, ओ भाई देख रहे हो, पता नहीं सर को क्या हो जाता है, सर ने क्वेश्चन आपके सामने ही गलत बोल दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। पी इज क्यूज डॉटर, पी क्यू की डॉटर है, पी जो है वो क्यू की डॉटर है, क्यू इज आर्स मदर, क्यू जो है वो आर की मदर है, तो मतलब इसकी मदर होगी तो आर की भी मदर होगी, ओके क्यू भी लेडी है। एस इज आर्स ब्रदर, एस कौन है, आर का ब्रदर है, देख रहे पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, तो हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, तो एस कौन है भाई, पी का भी भाई है, पी का भी भाई है, क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा एक लाइन में पढ़ने के चक्कर में। इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ सन्स ऑफ वाई सन, अच्छा वाई का जो सन है, सन ऑफ वाई सन, ठीक है वाई का जो सन है उसका सन, तो मतलब उसका ग्रैंड सन, एक्स कौन है उसका ब्रदर है, एक्स इसके ग्रैंड सन का ब्रदर है, तो एक्स कौन है भाई, इसका ब्रदर है। यस, वाई का सन यहाँ पे, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स कौन लगता है भाई इसका, ग्रैंड सन लगेगा वाई का, दो जनरेशन नीचे आ गया ना, एक्स का जेंडर भी क्लियर है, मेल है, ये भी क्लियर है। इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी कौन है जी, हस्बैंड ऑफ क्यू है, ठीक है जी, क्यू क्या होगी, वाइफ होगी। एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, आर कौन है जी, एस की मदर है और क्यू की भी, एस की भी मदर है, ठीक है, तो मतलब पी कौन है जी, बेनोई है इसका। आर टू बी क्या है, व्हाट इज आर टू बी, आर कौन है, सासुमा है ना, पी की मदर इन लॉ है, सासुमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। इसी सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब एक एक क्वेश्चन इजी शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में हो सकता है ऐसा ना, एग्जाम में जैसे मैंने अपने को मतलब होता ना, कोई डिवीजन किसी का आसान है कोई किसी का, इसका मैथ्स मुश्किल दे दिया, एलआर और स्टैट्स इजी दे दिया, अपना जो लास्ट ईयर का पेपर देखा मैंने उसमें एलआर थोड़ी सी टफ दे रखी थी, मैथ्स हल्का सा टफ दे रखा था, स्टैट्स हल्का सा, उसमें मॉडरेट कर रखा था सब कुछ, ठीक है थोड़े थोड़े पार्ट सब में दे रखा था, यहाँ पे एलआर बहुत इजी दे रखा है, मैथ्स थोड़ा सा दे रखा है, बीच में आखिरी के कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले, ठीक है। स्टैट्स मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं लगे मुझे, बिल्कुल इजी लगी है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी कौन है जी, ब्रदर ऑफ ए है, ओके ठीक है। हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी, किसकी भाई, फुल स्टॉप लगा दिया, तो मतलब बी की बात ही कर रहा है, तो बी की ओनली सिस्टर है, उसकी मदर सी है, तो बी ए का ब्रदर है, तो इसकी ओनली सिस्टर मान लो यही है,
मान लेते हैं इसकी मदर कौन है जी, सी है। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। डी कौन है जी, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी है। ओनली सिस्टर इज द मदर, ओह गलत कर दिया, ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी। ये लड़की मदर है सी की, मदर है सी, क्यों मैं इतने जनरेशन ऊपर नहीं जाना चाहिए। डी जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो मान के चल रहा हूं भाई, देखो ओनली सिस्टर जो है वो मदर है सी की, तो मान लो वो ए ही है, मान के चलते हैं, क्योंकि और रिलेशन दे नहीं रखे हैं मुझे, ठीक है, और रिलेशन देता तो मान लेता, ठीक है। सी लड़की है नहीं है पता नहीं है मुझे, यस। बी की इकलौती बहन जो है वो मदर है सी की, ये बोल रखा है। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मतलब मम्मी की मम्मी, हाँ तो सही बन रहा है। देखो रिलेशन अगर यहाँ पे फिट ना कर रहा होता ना, मैं फिर कंफ्यूज हो जाता, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, तो ए कौन है जी, मम्मी है डी, ए कौन है, बच्ची है डी की, ए इज द डॉटर ऑफ डी, ए कौन है जी, डी की डॉटर है। ये क्वेश्चन मेरा टर्म क्विज ज्यादा कर गया, बट क्वेश्चन आसान था, मुश्किल नहीं था। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, एक्स और वाई ए के चिल्ड्रन है, क्या कौन है पता नहीं, जेंडर नहीं पता। ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए का जेंडर बदल गया, बट वाई इज नॉट हिज सन, वाई अगर सन नहीं है तो क्या होगा, डॉटर होगी। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, तो वाई डॉटर है कि भाई, सिंपल क्वेश्चन, इतना इजी दोगे क्या, बहुत इजी है, मजा ही आ गया। तो यहां से एल आर का भी समाप्त होता है कहानी। अब हम बात करते हैं स्टैट्स की, देख रहे हो एल आर में कितना कम टाइम लगा, यही होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर इन अ क्लास इंटरवल इज फ्रीक्वेंसी, भाई जो जितनी बार आ रहा है वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। ओजाइव क्या होते हैं, जहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओनली ओजाइव में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डील करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 और 30 क्लास की, तो 20 और 30 क्लास की क्यूमुलेटिव बतानी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा ये थी कि लेस देन बतानी है मोर देन, जब कुछ नहीं दे रखा हो तो लेस देन बतानी है। लेस देन 10 हो जाता है यहाँ पे 4, लेस देन 20 हो जाएगा 4 प्लस से 10, लेस देन 30 वाली हो जाएगी 20 और 30 की, दैट इज 20 प्लस में 10, दैट इज 30, 30 विल बी द आंसर, ठीक है। तो लेस देन 20 और 30 वाली कितनी हो जाएगी, 30 मानी जाएगी, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो लेस देन और मोर देन दोनों में से एक ऑप्शन होता है। हिस्टोग्राम कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे, यस, ये क्या है, रेक्टेंगल्स है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है यार। डैश सीरीज इज कॉन्टिन्यूस, हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज को एक्सक्लूसिव होना पड़ता है ना, उसकी जो क्लासेस होती हैं दोनों के बीच में जो है, अगर जहां से ये एंड होगी वहीं से वो शुरू होगी, तो दोनों के बीच में अगर मान लो हायर वाली वैल्यू पहले वाले में डाल दी तो दूसरी वाली वैल्यू यहाँ डाल नहीं सकते। जैसे मान लो 0 से 10 यहाँ डाला है, 10 से 20 यहाँ डाला है, तो एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या है कि 10 वाले में जो डाल दिया ना, तो 10 वैल्यू अगर इसमें डाल दी तो ये वैल्यू एक्चुअली में 10.0001 से स्टार्ट होगी, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली इसी से माना जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव है, कि एक वैल्यू एक ही जगह पर आएगी। ओजिव ग्राफ इज यूज फॉर क्या, ओजिव से मैं मीडियन डेसाइल क्वार्टाइल कुछ भी निकाल सकता हूँ, ये एक ही टाइप की कैटेगरीज है ना, क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल इज मीडियन ओनली ना भाई, यहाँ से कॉमन सेंस भी लगा सकते थे, और मिडिल वाला डेसाइल दैट इज D5 भी हमारा मीडियन होता है, तो यहाँ से भी आप लगा सकते थे कि हाँ कुछ भी निकाल सकते, तो ऑल ऑफ दीज आंसर है। हिस्टोग्राम से मोड निकलता है, इजी वन। डेटा आर सेट टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, खुद से जाके कलेक्शन कर रहा है तो प्राइमरी डेटा है, ठीक है। अ सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शन ऑफ अ टोटल, पोर्शन ऑफ अ टोटल, पूरा भी दिखाना है और पोर्शन भी, तो पोर्शन ये रहा, टोटल ये रहा, तो किसमें दिखता है भाई, पाई चार्ट में। बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब फटाफट से, मैंने बोला ना स्टैट्स में जो है ना आपकी स्पीड बढ़ जाती है, पिछले 3 मिनट में 9 क्वेश्चन कर लिया अपन ने, देख रहे हो स्पीड, और जबकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ। द एम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 9 एंड एम ऑफ फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन इज 11, अच्छा जी, तो मान लो हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है N1, ये 9 है, ठीक है, इसका AM दे रखा है 11, AM रिमेनिंग का कितना होगा, तो हमारे पास में टोटल टर्म्स दे रखी है, दैट इज N1 प्लस N2 15, इसका AM मान लो X मीन है, ये है 9, तो रिमेनिंग क्या है जी, N2 है, N2 कितना हो जाएगा 15 माइनस 9 6, सो फॉर्मूला क्या होता था, हमारा कंबाइंड AM का फॉर्मूला होता था 9 इज इक्वल टू X1 इंटू N1 9 इंटू 11 प्लस में मान लो X2 में दूसरे वाले का होगा इंटू में जितने टर्म्स है 6 टर्म्स है बाय में 9 प्लस 6 15, ठीक है, X2 में कितना हो गया, X2 में इंटू 6 इज इक्वल टू 15 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 11 दैट इज 4 इंटू 9, है ना, कैलकुलेशन कर लेना भाई, सिंपल है।
कितना हो गया यहां से 3 गया, यहां से गया 2, 6 आ गया आंसर, 6 है क्या ऑप्शन। यस, मैंने कैलकुलेशन किया है भाई पेन पेपर के बिना, एक बार बिना कैलकुलेटर का भी यूज करके भी कर लो। हाँ भाई सही आ रहा है, सी यही आंसर है, क्लियर है भाई। तो 70 का आंसर एक्स टू मीन का 6 आ गया। इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन आर इतना। अब याद करो मॉडरेटली स्क्यूड, सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल के लिए मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है, मॉडरेटली स्क्यूड के लिए क्या होता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। यार पुट करो मोड की वैल्यू निकालो, कमेंट करो आंसर जल्दी से। मीन पता है कितना है जी, 12, ये मीन है ना, ये मीन है, ये अपना मीडियन है, पुट करो वैल्यू आंसर निकालो जल्दी से, आंसर दो कितना आ रहा है फटाफट से कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज होती है मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स। यस, क्योंकि भाई मिडल मोस्ट पोजीशन पे वेरी करती है, बाकी सारी पोजिशनल नहीं है, बाकी सारी टर्म्स पे डिपेंड करती है। यस, वो अरिथमेटिक एवरेजेस थी बाकी सारी। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन मोड और मीडियन बराबर होता है, ए ऑप्शन। फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इसके लिए क्या होगा भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है, और वहां पे एन प्लस वन बाय टू वाली टर्म से जो जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा उसके कोरोस्पोंडिंग वाला एक्स जो है हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इससे बड़ी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ 6 हो गई, यहाँ 15 हो गई, यहाँ पे 15 प्लस 10 25, यहाँ पे 39, यहाँ पे 51 और यहाँ पे 59, तो 59 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 60 बाय 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 6 किससे बड़ी भाई, 30 से बड़ी किसकी आ रही है, देखो 30 से बड़ी ये आ रही है 39 की, 39 की आ रही है, x की वैल्यू 4 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। यस, क्वार्टाइल डेविएशन बताना है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, q3 माइनस q1 बाय 2, ये होता है क्वार्टाइल डेविएशन। q1 q3 निकालने के लिए हमें इसको सीरियल वाइज अरेंज करना है, 8 15 36 38 एंड 41, सारी कट गई ना, देखो 8 15 फिर उससे अगला 36 फिर 38, देखो बच गई थी 40 और 41। यस, इसलिए काटता हूं भाई मैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कितनी 6 हो गई आइटम। तो Q1 क्या होगा भाई, Q1 होगा 6 प्लस 1 बाय 4th टर्म, है ना, ऐसे निकाल देते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 बाय 4, 1.75th टर्म। 1.75th टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट प्लस में 0.75 ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट क्या है अपना 8 प्लस में 0.75 ऑफ 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 कितना हो गया 7 इंटू 0.75 प्लस में 8, 13.25 आ गया। ये क्या आया भाई, क्यू बनाया है। Q3 निकालो, Q3 क्या हो जाएगा 3 इंटू में 6 प्लस 1 7, है ना, 3 इंटू में दिस वाले टर्म, है ना, 3 इंटू में दिस वाले टर्म, ये वाले टर्म हो जाएंगे 21 बाय 4, 5.25th टर्म। 5.25th टर्म कैसे निकालेंगे, 5th प्लस में 0.25 ऑफ 6th माइनस 5th टर्म। 5th टर्म क्या है भाई अपनी, 1 2 3 4 5 40 प्लस में 0.25 ऑफ 41 माइनस ये, तो 0.25 ही हो गया, है ना, दैट इज 40.25। क्वार्टाइल डेविएशन क्या निकल कर आया भाई, क्वार्टाइल डेविएशन निकला 40.25 माइनस 13.25 बाय में 2, तो 40.25 माइनस 13.25 डिवाइड बाय 2, 13.5। क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ रहा है भाई मेरा यहां से 13.5, देख लो आपका भी यही है। आखिरी 25 क्वेश्चन, 3/4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, याद करो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ है जब भी नेचुरल नंबर होते हैं। यस, तो एन की वैल्यू कितनी है भाई, 5 दे रखी है, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 बाय हो गया रूट ऑफ 24 बाय 12। भाई अगर सारे शॉर्टकट फॉर्मूला पता होंगे ना ढंग से तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं बताओगे तो फंस जाओगे, फिर टाइम लगता रहेगा, फिर करते रहो बैठे बैठे। इफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी रिमेन्स सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, अगर प्रॉफिट सेम है बेटा तो अपना अगर प्लॉटिंग कैसे होगी, मान लो सेम है ये सारी वैल्यूज,
ये आ रही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ही नहीं. इफ ऑल वैल्यूज आर सेम, एवरी टाइप ऑफ अ डिस्पर्जन गिव्स जीरो वैल्यू. ठीक है, क्लियर है. कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमें 1/4 दे रखा है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1 की वैल्यू 1/4 दे रखी है. तो हमसे पूछा है Q3 बाय Q1 बताओ क्या होगा. अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दूँ, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, Q3 माइनस Q1 प्लस में Q3 प्लस Q1 एंड डिविडेंडो में ना उल्टा करेंगे अपन. ठीक है, डिविडेंडो में उल्टा करेंगे, डिनोमिनेटर से मैं माइनस कर दूंगा न्यूमरेटर को. तो याद रखना ऊपर में क्या किया, दोनों को ऐड किया है और डिनोमिनेटर में मैंने माइनस कर दिया न्यूमरेटर को, जो नीचे किया वही ऊपर करेंगे. ठीक है, अदरवाइज माइनस माइनस से रोटेट कराना पड़ता. यहां से ये कटा, यहां से ये कटा, तो 2Q3 by 2Q1 हमारा आ गया है 5/3. तो Q3 by Q1 भी कितना आ गया, 5/3. यस, ए भाई ये गलत कर रहा था, 5/3 आएगा. और अब देखो लॉजिकली दिख रहा है ये दोनों तो आंसर होने नहीं था, Q3 की वैल्यू Q1 से बढ़ी आती है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज इतना. ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है. ठीक है, If we had 2 to each observation of the series, then the sum of the mean and standard deviation. Actually, ना last year के question जो कराया था ना उसमें से आया हुआ है. अब हमने हर एक class के अंदर में last year के question practice कराए थे वहीं से आया हुआ है. तो भैया हमें पता है कुछ add करने की वजह से, कुछ add करने की वजह से हाँ जी ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज ए प्लस बी. ठीक है, इफ वी हैड टू टू ईच ऑब्जर्वेशन, हम दो अगर ऐड कर देते हैं हर ऑब्जर्वेशन में, तो सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा. तो भाई हमें पता है कि कुछ ऐड करने की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन में तो चेंज आने का नहीं है, मीन जो है वो दो बढ़ जाएगा. तो बेसिकली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के सब में सिर्फ मीन की वजह से दो की बढ़ोतरी हो जाएगी, अगर मैं सारी टर्म में दो बढ़ा दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा. तो आंसर क्या हो गया भाई, ए प्लस बी प्लस टू. यस, व्हाट इज द मीन इन दिस, तो ये अपना कौन सा है, अपना स्टैंड, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है आपको. यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, कंपेयर करो इसको इससे, 1/σ√2πe^2 क्या चढ़ता था यहाँ पे, एक्स माइनस म्यू बाय 2σ² यहाँ पे भी स्क्वायर होता था. यस, क्लियर है. आई थिंक यहाँ पे माइनस का साइन बनाना चाहिए था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, देख लेना एक बार जाके, आई थिंक माइनस का साइन आता था. तो यहाँ से मीन पूछा है, मीन क्या होगा जी, ये वाली टर्म है ना, मीन ये है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, ये मीन है, तो मीन कितना है, 10 है. एक क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन बुक में गलत दे रखा है भाई, 80 का ए नहीं आएगा, 80 का बी ऑप्शन आएगा, याद रखना. अगर मीन एंड वेरियंस इतना है तो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, तो मीन क्या होता है जी, एन इंटू पी, 5. यस, ये बताया नहीं है बट ये अंडरस्टैंड करने के लिए बोला कि हाँ ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. क्यू कितना ही है, यहां से अगर मैं डिवाइड कराऊंगा तो क्यू कितना होगा, 3/5. तो पी क्या होगा, 1 - Q, दैट इज इक्वल टू 1 - 3/5, 2/5. तो पी बड़ा लग रहा है क्यू, ऑब्वियसली बात है क्यू दिख रहा है बड़ा, क्यू 3/5 है, पी 2/5 है, तो पी इज लेस देन क्यू, ये आंसर आ गया. इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो पैरामीटर इतना, ठीक है, तो बताओ भाई कितना आएगा. पैरामीटर क्या होता है अपना, एम. यस, एम की वैल्यू पूछी है, ई की पार माइनस एम इंटू एम की पार 4/4 factorial, ये बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, ई की पार माइनस एम एम की पार 5/5 factorial. ई की पार माइनस एम से ई की पार एम गया, एम की पार 5 में से अगर मैं एम की पार 4 हटा दूंगा तो एम बचेगा, तो एम क्या हो गया, 5 factorial by 4 factorial. 5 factorial को मैं 5 into 4 factorial लिख सकता हूँ, यहां से क्या आ गया भाई मेरा 5. एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5. पहली बात ये डेसिमल में तो आना ही नहीं था, ये तो पता है, हमने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा था. इसके बीच में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया कितना कवर करता है, आई थिंक 95% है, एक बार चेक कर लेना भाई. यस, 95% है, एक बार चेक कर लेना. ये डेटा वाला क्वेश्चन है, ये डेटा आपको याद रखने बहुत जरूरी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा ही पेन है, इसको याद रख लेना यार. टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट दे डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं इसको, दूसरा होगा पहला नहीं होगा. इफ क्वालिटी सोर्स 5 times इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड हेड अकर ऑल्टरनेट, तो मतलब अगर हेड आएगा फिर टेल आएगा, फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा, तो या तो 5 बार ऐसा होगा. ये क्वेश्चन भी अपन ने कराया हुआ लास्ट ईयर,
क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कराई थी ना प्रोबेबिलिटी में, तो कराया था, या फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा, फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा, फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा, ये है। अब हर एक की होने की पॉसिबिलिटी कितनी है भाई, 1/2, तो 1/2 इसकी है, 1/2 इसकी है, 1/2 इसकी है, 1/2 इसकी है, 1/2 इसकी, 1/2 इसकी, सिमिलरली 1/2 टेल की, देन 1/2 हेड की, देन 1/2 हेड इसकी, तो सिमिलर सिमिलर सी चीजें ऐड हो रही है ना। तो आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इनटू 1/2 इनटू 1/2 इनटू 1/2 इनटू 1/2, 5 बार कट गया, तो आंसर कितना गया, 1/16। यस, इजी क्वेश्चन। When two dice are thrown simultaneously, then the probability of getting at least 1/5. अब सोचो, at least 1 वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आपको जब अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, किसके भाई, लास्ट अटेम्प्ट वाला, जून 2022 वाला, उसमें क्या कराया था हमने, बोला था कि भाई अगर मान लो फर्स्ट डाइस पे आता है तो ये 6 तरीके हो सकते हैं ना, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। सेकेंड डाइस पे आने के 5 के है ना, 1/1 था वहां पे, यहाँ पे 5 है, तो 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6 तरीके। सेकेंड डाइस पे आने के सेम तरीके से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/6। बट बेटा एक केस कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है जी, हमारा दोनों में 5/5, तो 6 केसेस इसकी वजह से, 6 केसेस इसकी वजह से, और एक केस कटेगा जो कॉमन आ रहा है क्योंकि वो दोनों में रिपीट मार दिया, तो फेवरेबल केसेस 11 हो गए हैं आउट ऑफ कितने भाई, 36 केसेस है ना, 6 × 6 ना, 6 इस पे आ सकती है केसेस, 6 इस पे आ सकते हैं, तो इतना हो जाएगा आंसर 11/36। उसमें क्या था, ऊपर वाली वैल्यू पूछी थी बस, यस हमने क्वेश्चन जो किया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज अ 53 वेडनेसडे, अभी कराया लास्ट ईयर क्वेश्चन में, 2/7 है ना, केसेस बनाए थे मंडे ट्यूजडे हो सकता है, 52 तो पूरे पूरे वीक होंगे, 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे, दो एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है, मंडे ट्यूजडे हो सकता है, ट्यूजडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, ए भाई सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे हो सकता है, यही हो सकता है ना, तो टोटल केसेस 7 है, फेवरेबल केसेस जहां वेडनेसडे आ रहा है, तो ये रहा, तो 2/7, ठीक है। नेक्स्ट, राम इज टू नोन टू हिट अ टारगेट इन 2 out of 3 शॉट्स, ठीक है भाई, तो मतलब राम के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 2/3 है, मेरे शाम की हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 5/11 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट, मतलब दोनों ट्राई करेंगे तो क्या होगी भाई, दोनों ट्राई कर रहे हैं हिट हो जाना चाहिए, तो मतलब आर यूनियन एस निकाल दो कि भाई आर की वजह से होगी या एस की वजह से होगी, माइनस करना पड़ेगा वो केस जब दोनों की वजह से होगी, एज बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इन दोनों का इंडिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से इन दोनों की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी दिस एंड दिस मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 2/3 + 5/11, 2/3 है ये, ठीक है, +5/11 -15/33, सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा, फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है, आई थिंक ये आया था, मैंने किया था भाई सॉल्व, तो ये आया था, एक बार चेक कर लेना भाई, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5, तो मतलब पी स्विमर ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो पी स्विमर होने की कितनी हो जाएगी, 1 - 1/5, दैट इज 4/5, the probability that out of 5 students 4 are swimmer, भैया binomial expression, 5 में से 4 swimmer होने चाहिए, तो 4/5 की पावर 4 into a 1/5 की पावर 1, तो ये आपका आंसर आ गया, that is C part, C part, simple question. Next, if the two lines of regression are x + 2y - 5 and 2x + 3y - 8, तो regression line y on x क्या होगी, अब समझो रिग्रेशन लाइन y और x, अगर x और y को चूज करने के लिए मैंने आपको एक बहुत प्यारा तरीका बताया था, जिसका वेरिएबल का कोफिशिएंट है ना बड़ा आ रहा है उसको मान लो y on x है ना, यस, अगर इसका y का कोफिशिएंट बड़ा आ रहा है तो ये y on x है, तो यहां पर अब लॉजिकली दिख रहा है यार इसमें भी y का बड़ा आ रहा है, बट मुझे फील सी आ रही है कि मैं इसको मानना चाहता हूँ y on x और इसको x on y, अगर उल्टा हुआ तो सर चेंज कर देंगे है ना, अगर ये y on x होगा तो मैं क्या करूंगा, y इधर छोड़ूंगा बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा यहां से कितना 5 - x/2, यस, इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया, पहले -5 और x को उधर लेके तो 5 - x और 2 से दोनों को डिवाइड करा दिया, इसको x और y की फॉर्म में लिखना है, तो x इधर छोड़ो बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 8 - 3y और 2 से डिवाइड, अब यहां पे dyx कोफिशिएंट क्या हो गया,
एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज माइनस वन बाय टू, यहां से बी एक्स वाई कोफिशियंट क्या हो गया जो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज माइनस थ्री बाय टू। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन वन आ गया तो हमारा काम बन गया। क्या ये लेस देन वन आ रहा है? यस सर, यस यस सर, थ्री बाय फोर इज लेस देन वन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन वन आ रहा है तो मतलब हमारा आर स्क्वायर लेस देन वन आ रहा है। ये आर स्क्वायर है ना भाई, वो लेस देन वन आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सही सोचा है, हमने सही सोचा। अगर नहीं होता तो ये वाई ऑन एक्स बन जाती, ये एक्स ऑन वाई, तो हमने सही सोचा। तो आपसे पूछा गया वाई ऑन एक्स कौन सी लाइन है, ये वाली। ऑब्वियसली ये तो आंसर आई नहीं, ये तो आंसर है नहीं, इन दोनों में से चूज करना था, बाकी सब कंफ्यूजन वा क्रिएट करने के लिए। सिमिलरली यहां से पूछा है कि भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट बताओ, y on x बताओ, x on y बताओ। यहां से साफ दिख रहा है x ये है y by 1 by 3, क्योंकि यहां पे छोटा आ रहा है, ठीक है। यहां से y क्या हो जाएगा जी, 3 by 4 है ना, 6 को 8 से डिवाइड कराएंगे तो 3 by 4 of x। तो bx क्या हो गया भाई, 3 by 4, और bxy क्या हो गया जी, 1 by 3। r क्या होता है, रूट ऑफ bx 3 by 4 into 1 by 3। अब इनका जो साइन होगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो आंसर कितना गया 1/2, दैट इज 0.5। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0.5। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा आपने से, आर होता है दैट इज 0.5। इजी क्वेश्चन। अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सेम क्वेश्चन हमारा किसमें पूछा गया भाई, जूनिट रूट के अंदर में। क्या होता है देखो, अरिथमेटिक मीन ऑफ ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो एएम ऑफ एनी टू थिंग्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम। यस, एम ऑफ कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या जी, जी एम। ये क्या है जी हमारा, यस ये क्या है, आर, दिस इज आर ओनली, यस। तो मतलब ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये हमने पढ़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ऑप्शन। If the regression line of y on x is given by this and Karl's basis coefficient of is given by this, याद करो bx क्या होता है, r into sigma y by sigma x, है ना? Sigma y by sigma x का square क्या हो जाएगा? Sigma y by sigma x का square हो जाएगा bx by r का square। bx क्या है? x के साथ में, y on x की form में लिखा ना, तो x के साथ मारा, that is 1। r कितना है? 0.5, इसका square। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/0.5 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 आंसर आ गया। नाइस क्वेश्चन। लास्ट सात क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर आइडियल इंडेक्स, पर्पस से क्वेश्चन आया, ये फेवरेट बन चुका है भाई इसका क्वेश्चन, फिशर आइडियल इंडेक्स पे देना ही देना है। एक ही है जो सेटिस्फाई नहीं कर पाया आज तक, वो है सर्कुलर टेस्ट। लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स निकालो, कैलकुलेट करो, क्या करते थे, P1 Q0 और P0 Q0 का मल्टीप्लाई करा के सम करो इनटू 100, करो भाई कैलकुलेशन। P1 Q0 इज दिस वन, 14 इनटू 10 140, 8 इनटू 20 करो जी 160 और यहां पे 300। P0 Q0 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 इनटू 10 120, 10 इनटू 20 200 और यहां से 240, क्लियर है ना। ये हो गया हमारा 560, यहाँ हो गया 600, तो 600 बाय 560 इंटू 100, सॉल्व करो कितना आ रहा है, 100 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये वाला आंसर आएगा। कैलकुलेशन करके देखना, मुझे ऐसा लग रहा है ये आएगा, आप एक बार मुझे कंफर्म करके बताना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन ईयर 2015 एंड 2018, सेम डिटो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ आपको, लास्ट ईयर क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ द वर्कर इज 2015 इज 1950 0, how much additional salary would be required in 2018? तो भैया हमारे को सेम अगर खर्चा करना है, सेम सैलरी कमानी 1950 इन कंपैरिजन टू दिस इंडेक्सेस, 2018 में सैलरी कमानी पड़ेगी 1950 इंडेक्स जो करंट वाला ईयर का है डिवाइडेड बाय जो उस टाइम का इंडेक्स था, तो कितना हो रहा है देखो, 115 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 1950। ए भाई कैलकुलेटर ऑफ करके मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हमारी बुद्धि भी घास चरने गई है। यस, ऐसा डायलॉग मम्मी लोग मारती है ना, लगभग
2300 आ रहा है, 23,000 आ रहा है, ठीक है, लगभग इतना आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, 0.99999 आ रहा है ऑलमोस्ट, वही है यार, 2229 ये आ रहा है, ठीक है, उतना ही आ रहा है, ऐसे मैंने कुछ गड़बड़ प्रिंट कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अब पूछा गया कितना एडिशनल सैलरी चाहिए, अगर यहाँ पे लिख देता ना 23,000 में कंफ्यूज हो जाता, बट इसने पूछा एडिशनल सैलरी है ना, तो मैं कंफ्यूज होऊंगा ही नहीं, मुझे समझ में आ गया कुछ और पूछा है, तो 23,000 में से बेटा 19,500 माइनस कर दो, कितना बचा, बचा सर जी 3,500, तो ये एडिशनल सैलरी चाहिए, दैट इज सी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन आया हुआ, कितने एडिक्वेसी के टेस्ट होते हैं, सेम क्वेश्चन आया हुआ, चार होते हैं। लास्ट ईयर मेथड एंड पास्ट कौन से सेटिस्फाई नहीं करते हैं, यूनिट कर लेते हैं, बाकी कोई सा नहीं करते हैं भाई, डी ऑप्शन, बी एंड सी दोनों नहीं करते हैं। कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल क्या होता है, दो वेरिएबल में कोवेरियंस, कोवेरियंस ये डिफाइन करता है कि हमारा आर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा, ये बताया हुआ है, क्लास में सेम क्वेश्चन कराया यार, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। व्हेन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल, तो दोनों लाइंस रिग्रेशन की आइडेंटिकल ऐसे हो सकती है और ऐसे हो सकती है, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू जीरो या वन है, तो मतलब ए और बी दोनों, डी आंसर हो गया, ये नहीं लिखना यार, दोनों आंसर, ए और बी दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है, यस। तो डन 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 डन, सारे क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट पेपर के भी प्रैक्टिस कर लिया, बहुत इजी है, मजा आ गया, और अगर मजा आया है तो अब भैया जी अपनी तैयारी 100% हो चुकी है, अब जाके एग्जाम में पोड़ के आना है, कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है, एग्जाम में पोड़ के आओ मेरे बच्चा बाड़ी, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, मिलेंगे मैराथन सेशन के साथ, हाँ, और जो अपने बच्चे है ना कौन से मेजून वाले, भैया आ जाओ संपूर्ण में, मिलते हैं उनके साथ भी, टेक केयर, बाय बाय।